गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू राजू। देखो सभी लोगों ने से अब तुरंत कर दिया और अपना लिंक भी रख दिया, इसको बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग अपने स्टेटस पे रखें, शेयर करें सेशन को। आज हम लोग थोड़ी से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, सिलेबस भी ख़त्म करने ज़रूरी है। सभी को नया साल मुबारक हो, सभी को नया साल मुबारक हो। सभी को नया साल मुबारक, जिन्होंने वैसे भेजा था और इस तरीके से भी जितने भेजा, सबको नया साल मुबारक। चलिए सभी लोग नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को आज नया साल मुबारक हो, आप अच्छा कार्य करें। पहले पढ़ते हैं, बीच बीच में हम लोग लेते रहेंगे, पहले पढ़ना जरूरी है। फिर नया साल मुबारक सभी लोगों को तो बोल दिया हूँ, फिर जो भी बातें होती रहेंगी। पहले हम लोग सीधे चलते हैं क्लास पे और प्रेयर पे आते हैं। सभी लोग पोजिशन पे हो जाइए प्रेयर में, ताकि हमारी प्रेयर तुरंत स्टार्ट हो सके। हाँ, सभी लोग ध्यान मुद्रा में आएं और अपना मन और ध्यान को एकाग्रचित लगाएं। Life will lie in music, music will lie in life. You born, born to be free. सरस्वती वंदना लीजिए, सुनिए आपके सामने प्रस्तुत है। तुरंत जुड़ा करिए जैसे ही लिंक मिले। Oh,
आप लोगों को सुनाई दिया? बोलिए, आपको सुनाई दिया? चलो अच्छा, आप लोगों को सुनाई दिया तो अब आके चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले एक जय हिंद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लिख दो। जय हिंद है ना, आपने जय हिंद सुना होगा। जय हिंद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जल्दी बताओ। जय हिंद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बस जल्दी बताओ। जय हिंद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आज जय हिंद से शुरुआत करते हैं। भारत जय हिंद होता है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? जय हिंद का हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। जय हिंद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बताओ? जय हिंद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा? सभी लोग बताओ। जय हिंद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लाइफ मिलाए म्यूजिक, म्यूजिक मिलाए लाइफ। जय हिंद को बोलेंगे बेटा लॉन्ग लिव इंडिया। लिखो सभी लोग, लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव इंडिया। लिखो लॉन्ग लिव इंडिया। भारत माता की जय बोलते हो ना, और लॉन्ग लिव इंडिया बोलेंगे जय हिंद को। लॉन्ग लिव इंडिया। आप कोई पूछेगा जय हिंद का मतलब क्या होता अंग्रेजी में, वैसे हम लोग बोलते हैं प्रणाम सभी को, तो जय हिंद को अंग्रेजी में बोलेंगे लॉन्ग लिव इंडिया, जय हिंद। ठीक है, अब आप इस वर्ड को हमेशा याद रखेंगे कि जय हिंद अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉन्ग लिव इंडिया। और जय हिंद भारत की सेना को क्या बोलेंगे बताओ? जय हिंद भारत की सेना, एक इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? जय हिंद भारत की सेना, लॉन्ग ले जो जय हिंद भारत की सेना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जय हिंद भारत की सेना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जय हिंद भारत की सेना को क्या बोलेंगे बताओ? बताओ आप सभी, जय हिंद भारत की सेना को क्या बोलेंगे? द इंडियन आर्मी लिखेंगे। ठीक है, हाँ, लॉन्ग लिव द इंडियन आर्मी। ठीक है, द इंडियन आर्मी लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जय हिंद को लॉन्ग लिव इंडिया। कभी भी भारत कभी भी आता है तो आप जो है तो लॉन्ग लिव, ठीक है, भारत की सेना। तो जय हिंद को अब नहीं भूलना। ठीक है, हाँ, अब जैसे हमें बोलना है तो लॉन्ग लिव इंडिया बोलो, लॉन्ग लिव द इंडियन आर्मी। सभी लोग याद रखो, जय हिंद लॉन्ग लिव इंडिया, और भारत की नहीं सेना, भारत जय। ठीक है, भारत की सेना को लॉन्ग लिव द इंडियन, जय हिंद भारत की सेना। ठीक है, हाँ, जय हिंद भारत की सेना। ठीक है, तब ध्यान देना है द लॉन्ग लिव द इंडियन आर्मी। तो ये होता है, हाँ। अब देखो कभी कभी आप लोगों को ट्रांसलेशन में देखो, अभी पेपर हुआ है आप लोगों को रणनीति में, अभी आप लोगों ने जो पेपर पीछे बीता है उसमें आपको 10 वर्ड जो आते हैं, वर्ड आते हैं 10 नंबर, तो आपके वर्ड मीनिंग से आने तय हैं। 2 एंटोनिम से आएगा, 2 सिनोनिम से आएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएगा, होमोफोन से आएगा, इडियम्स फ्रेजेस से आएगा, और ये 10 नंबर ये बहुत ज्यादा तय करते हैं।
जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ उसमें ये 10 नंबर कवर नहीं किए थे। तो इसलिए आप लोग मीनिंग पे फोकस करना, आपके 10 मीनिंग्स में से एक मीनिंग भी गलत ना हो। यदि आपकी एक मीनिंग गलत हुई तो आपका पूरा नंबर चला जाता है। बात ये है, जो ऑप्शनल टाइप का ये डायरेक्ट क्वेश्चन वाले होते हैं उनमें आपको कोशिश करनी है कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। समझे कि नहीं? सभी लोग कोशिश करें हमेशा कि जो है आपके जो क्वेश्चन हो गलत ना हो किसी भी स्थिति में वर्ड मीनिंग वाले। तो लॉन्ग लिव इंडिया को क्या बोलेंगे बताओ? जय हिंद भारत की सेना को लॉन्ग लिव द इंडियन आर्मी। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा कभी कभी आता है पढ़ा पढ़ा, तो पढ़ता है पढ़ा जब आता है अर्थ में तो उसके लिए हैड टू लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको एक लिखो मुझे लिखो लिखो सैनिकों को समर्पण करना पड़ा, लिखो सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सैनिकों को समर्पण करना पड़ा, सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। इसको अंग्रेजी में क्या बनाएंगे? बनाओ जल्दी, सैनिकों को समर्पण करना पड़ा, सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। क्या बोलेंगे? सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। बताओ, सैनिकों को समर्पण करना पड़ा, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हैड टू लगाएंगे। ठीक है, सोल्डर हैड टू, हाँ इंटरफेरेंस ने सही लिखा है, इसका हो जाएगा सोल्डियर्स हैड टू सरेंडर। समर्पण को क्या बोलेंगे? समर्पण। लिखो सोल्डियर्स, सोल्डियर्स मतलब होता है सैनिकों को, तो सोल्डियर्स, हाँ दा नहीं लगाओ केवल सोल्डियर्स लगाओ, प्लूरल दा लगाने के केवल लिखो सोल्डियर्स हैड टू सरेंडर। ठीक है, सोल्डियर्स लिखो SOLDIERS। ठीक है, अब इस पर जाके कई वाक्य बना सकते हो आप, सोल्डियर्स हैड टू सरेंडर, आई हैड टू सरेंडर, ही हैड टू सरेंडर, सी हैड टू सरेंडर, उसे समर्पण करना पड़ा, या राणा प्रताप हैड टू सरेंडर। तो सरेंडर कई होते हैं, तो सरेंडर को आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है, अब अगला हम लोग मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अगली तरफ, तो सैनिकों को जो है अपना सरेंडर करना पड़ा। हाँ, अब जैसे अगर आगे आपको आता है कि पढ़ता है आता है, एक पढ़ता है आता है ना, हाँ राम राम, आपको अगर पढ़ता है आता है तो हमेशा हैव टू या हैज टू लगाना पड़ता है ना। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? तो पढ़ा जब आएगा पढ़ा तब आप हैड टू लगाओगे, लेकिन पढ़ता है आ जाएगा तो हैज टू लगाओगे या हैव टू लगाओगे। ठीक है, हाँ मैं जैसे लिखो, जैसे आप एक बना लो, उसे घर का राशन लाना पड़ता है, लिख बनाओ सभी लोग, उसे घर का राशन लाना पड़ता है, बनाओ सभी लोग, उसे घर का राशन लाना पड़ता है। कोटेदार की दुकान से राशन लाते हो ना, हाँ चलिए आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, हाँ आपको खुशी पाठक को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके देखिए मुझे क्या है, मैंने कहा उसे या मुझे घर का राशन लाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? उसे घर का राशन लाना पड़ता है, क्या बोलेंगे? ठीक है, बताओ उसे घर का राशन लाना पड़ता है, क्या बोलेंगे बताओ आप सभी? हाँ, ही हैज टू ब्रिंग फूड फ्रॉम होम। राशन को दा राशन लिखा करो हमेशा, राशन को दा राशन लिखा करो, क्योंकि राशन एक कॉमन नाउन है या और राशन में जो है बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आप हमेशा याद रखना। अब पहली बात तो देखो, जब ही सी ईट नेम रहेगा तो हैज लगाना पड़ेगा, और आई वी यू दे रहेगा तो हैव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसे घर का राशन लड़ना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? सी has to bring the ration from the for the house, लिखो she has to, हाँ लिखो she has to bring the ration, she has to bring the ration for the house, she has to, हाँ he लगाओ या she, he has to bring the ration लगाओ। हाँ, होम ग्रोसरीज नहीं लगाओगे, घर का होम ग्रोसरीज मतलब राशन को सीधे राशन लिखो, यहाँ राशन का मतलब जानते हो हर चीजें आ गया, तो यहाँ आप लिखना राशन, राशन की स्पेलिंग लिखोगे RATION, जो रेशन बोलते हैं जिसका मतलब तार्किक होता है। तो हैज लगाओ, क्यों हैव लगा रहे हो हम नहीं समझ पा रहे हैं। प्रीति आप हैव क्यों लगा रहे? मैंने कहा आई और वी,
आई वी यू दे रहेगा तब हैव लगेगा या प्लूरल। अगर ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन है तो वहां हैज लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन है तो वहां क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। तो सी हैज टू ब्रिंग द राशन फॉर द हाउस, घर के लिए हो जाएगा तो फॉर द हाउस या घर, यह हो गया। सी हैज टू ब्रिंग द राशन फॉर द हाउस। अब फॉर द हाउस या नहीं लगाओगे तो इसका हो जाएगा सी। अब जैसे निसी ने बना दिया जो, उसका मतलब हो गया उसे घर का, उसे राशन लाना पड़ता है, और फॉर द हाउस कर दोगे तो घर के लिए हो जाएगा। तो सी हैज टू ब्रिंग द राशन फॉर द हाउस। अब आप याद रखना, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, क्या हो जाएगा बताओ? मुझे स्कूल जाना पड़ता है, बताओ क्या हो जाएगा? इतनी ठंडी में आप लोग को आना पड़ता है ना, तो लिखो। हाँ हाँ चलिए ठीक है, ग्रोसरी तो ठीक है, आप ग्रोसरी लगाए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सी हैज टू ब्रिंग द राशन। आप अगला बताओ, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, क्या हो जाएगा बताओ? मुझे स्कूल जाना पड़ता को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? मुझे स्कूल जाना पड़ता क्या हो जाएगा? हाँ देखो, I have to go to school। बहुत अच्छा अंकित। अब देखो, पढ़ता है आएगा तो हैज या हैव लगाते हैं, और मुझे स्कूल जाना पड़ा का क्या हो जाएगा? मुझे स्कूल जाना पड़ा, वेरी गुड वैरम। मुझे स्कूल जाना पड़ा का क्या हो जाएगा? मुझे स्कूल जाना पड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? देखो इतना लोग, देखो ब्लैक बोर्ड का काम खुद कमेंट कर देता है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ा इसका क्या हो जाए? हाँ अगर देखो पढ़ा आता है तो हैड लगाओगे पास्ट फॉर्म, और पढ़ता है या तो वहां पे लगाओगे उसे स्कूल जाना पड़ता है, क्या हो जाएगा? उसे स्कूल जाना पड़ता है क्या हो जाएगा? उसे स्कूल जाना पड़ता है उसका क्या हो जाएगा? उसे स्कूल जाना पड़ता है क्या हो जाएगा? उसे स्कूल जाना पड़ता है। अब उस स्कूल बताओ। हाँ ये तो बन गया आपका, उसे स्कूल जाना पड़ता कि क्या हो जाएगा? हाँ ही हैज लगाएंगे ना यहाँ इंटरफेरेंस, हैज लगाओगे। मैंने क्या कहा? अगर ही सी इट नेम या सिंगुलर नाउन है तो हैज लगाओगे। हाँ ये देखो, ही हैज टू गो टू स्कूल सौम्या का सही है, और रीड एंड लर्न का भी सही है। तो आप याद रखना, आई वी यू दे, और अगर प्लूरल आएगा तो हैव लगाओगे, और सेस के साथ हैज लगाओगे। जब पढ़ता है आएगा तब, और जब पढ़ा रहेगा तो हमेशा हैड लगाओगे, ठीक है? हाँ हाँ एक बनाओ अगला, हमें राष्ट्रहित में काम करना पड़ता है, हमें बच्चों के हित में काम करना पड़ता है। बनाओ लिखो, हमें बच्चों के हित में काम करना पड़ता है, ठीक है? या मुझे मान लो, हाँ बनाओ, हमें बच्चों के हित में काम करना पड़ता है, बताओ। हमें बच्चों के हित में काम करना पड़ता है, ओके कोई बात नहीं, इंटरफेरेंस कोई बात नहीं। हाँ लिखो, अच्छा अगला बताओ इंटरफेरेंस, मुझे बच्चों के हित में काम करना पड़ता है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम तो बोल ही सकते हैं ना, आपका गलत हो तो तुरंत, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो भी मैं आपका इंप्रूव करने के लिए कहता हूँ। हाँ तो बताओ, मुझे बच्चों के हित में काम करना पड़ता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वी हैव टू वर्क इन फेवर ऑफ चिल्ड्रेन, तो इसका मतलब पक्ष होता है, हमेशा हित के लिए आप लगाना इंटरेस्ट, क्या लगाओगे? इंटरेस्ट, ठीक है? हाँ मुझे बच्चों के हित में के लिए हमेशा इंटरेस्ट लगाओ, फेवर कम लगाओ, ठीक है? आप लगा सकते हो, इन द इंटरेस्ट आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक? इन द इंटरेस्ट लिख सकते हो क्या आप लोग? हाँ इन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन वी हैव टू, अगर इसका मतलब जैसे आपने अंकित बनाया, इसका मतलब हो गया हमें बच्चों के हित में काम करना पड़ता है, यहाँ हमें हो गया, और मुझे का हो जाएगा आई, तो एक बार आई वाला भी कोई बना दो, आई हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन। और दूसरी बात, जो इंटरफेरेंस आपने लिखा है तो इन द फेवर लगाओ, आप द फेवर करो, ठीक है? हाँ इन द फेवर लगाओ, और यहाँ आई हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन हो जाएगा, दोनों बना लो, आई हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन। तो कभी किसी के हित की बात आएगी तो हित में के लिए लिख लो, के हित में का अर्थ होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है?
नहीं, ये तो गलत है, वी हैव, एकता का गलत है, वी हैव टू वर्क फॉर स्टूडेंट ऑफ द चिल्ड्रन गलत है, वी हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन सही है, आई हैव टू वर्क हो जाएगा मुझे काम करना पड़ता है, तो के हित में अंग्रेजी में बोलते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। एट द इलेवेंथ आवर्स का मतलब क्या होता है बताओ, एट द इलेवेंथ आवर्स, ठीक है, एट द इलेवेंथ आवर्स को क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, एट द इलेवेंथ आवर्स का क्या बोलेंगे बताओ आप लोग, हाँ बताओ सभी लोग, एट द इलेवेंथ आवर्स को क्या बोलेंगे, एट द इलेवेंथ आवर एक मुहावरा है, क्या होता है इसका मतलब, हाँ एट द इलेवेंथ माने अंत समय में, एंड टाइम, जो एंड टाइम शो करता है 11 बजे ना, तो हो जाएगा एंड टाइम, ठीक है, एट द इलेवेंथ आवर्स, ठीक है। हाँ तो अब जब आएगा इलेवेंथ आवर्स का भी मुहावरा, तो समझ जाना इलेवेंथ आवर्स मतलब होता है अंतिम समय में, लास्ट टाइम को बोलते हैं, ठीक है। हाँ चलो अच्छा, एंड टाइम, हाँ इसका मतलब होता है एट द इलेवेंथ आवर्स लास्ट वाले में। चलो अच्छा, अब आगे आते हैं चैप्टर पे, आपने थोड़ा देखा, अब जाके इस पे प्रैक्टिस करना, ये नहीं है कि आपने लिख लिया मैंने लिखवा दिया, अब पढ़ा वाले में पर 10 बना लेना, पढ़ता है वाले में 10 बना लेना, जितना है इंटरेस्ट वाले का 2-4 प्रयोग कर लेना, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया, सही बता दिया, ठीक है। हाँ एट द इलेवेंथ आवर्स देखो इंटरफेरेंस लिख दिए, इसका मतलब होता लास्ट टाइम, ठीक है। हाँ कभी भी आएगा कभी की एट द इलेवेंथ, इंटरफेरेंस ने लिख दिया है एट द इलेवेंथ आवर्स, एंड एट द इलेवेंथ आवर्स का मतलब होता है लास्ट टाइम, सभी लोग याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना इसका मतलब इलेवन, एक मुहावरा तो ये जानो, कई बार पूछा गया तब बता रहा हूं, जब इलेवेंथ आवर्स आएगा तो लास्ट टाइम होता है, ठीक है। हाँ 11वें घंटे के बाद क्या होता है, रात की जब रात होता है तो अंतिम समय चलता है ना, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, तो लास्ट टाइम को बोलते हैं एट द इलेवेंथ आवर्स। आज आपके idioms फ्रेज में ऐसे धीरे धीरे ये चीजें रिविजन करो रेगुलर, और मेरे खैर सहारे ना बैठो, मैं केवल रणनीति पे चर्चा करूंगा, फिनिश करो चैप्टर में, याद रखना वर्ड मीनिंग से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और ट्रांसलेशन पे भी हिट करो, दो पोर्शन पे क्या काम करो, और जो आप पढ़ रहे हो जिस तरीके से, इस तरीके से आप कंप्रेहेंशन आराम से कर ले जाओगे, कंप्रेहेंशन आपको नई चीजें आती है, अनसीन आती है, वो आपके केवल पकड़ पे रहेगी कि आप कितना अच्छे से पैसेज को पढ़ ले रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। अब आगे देखो, अच्छा हम आते हैं इसी चैप्टर पे जो पढ़ रहे थे उस पे आओ, अब आगे चलते हैं, देखो पढ़ लेना 3 पैराग्राफ, फिर दोबारा नहीं करेंगे, चौथे पे आओ। He was kneeling on the, kneeling माने होता है बेटा बैठना, झुक घुटने टेक कर बैठना, kneeling का मतलब क्या होता है देखो, kneeling का स्पेलिंग है KNNEELING, तो kneeling का मतलब होता है घुटने के बल बैठना, ठीक है, टेक कर बैठना। ऑन द फ्लोर माने फर्श पर बैठा हुआ था। इन द नेक्स्ट रूम मतलब अगले कमरे में, नेक्स्ट रूम मतलब आगे वाले कमरे में। टिंकरिंग माने होता है कोई चीज ठोक रहा था, टिंकरिंग मतलब क्या होता है, हाँ नीलिंग मतलब होता है घुटने टेक कर बैठना, ठीक है। हाँ टिंकरिंग माने ठोक रहा था विद द पार्ट ऑफ हिज मोटर साइकिल, कोई पार्ट था मोटरसाइकिल का, कोई पार्ट था, ठीक है, तो टिंकरिंग माने कोई कहेगा तो ठोका ठाकी लिख देना, जो आप खट खट करते हैं कोई लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लगाना है तो कोई खट खट करेगा ना, ठोकता है, तो उसी तरीके से वह किसी मोटरसाइकिल के पार्ट पर ठोका ठाकी कर रहा था। तो कह रहा है He was kneeling, कौन कर रहा था, जियोप उसका बड़ा भाई, तो he was kneeling on the floor, तो वह फर्श पर बैठकर, ठीक है, क्या कर रहा था, घुटने के बल टेक कर बैठा हुआ था। इन द नेक्स्ट रूम माने सामने वाले कमरे में या आगे वाले कमरे में। टिंकरिंग माने ठोका ठाकी कर रहा था विद द पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के किसी पार्ट से, कोई पार्ट रहा होगा मोटरसाइकिल, मोटर मैकेनिक था। ऑन सम न्यूज पेपर स्प्रेड ऑन द कार्पेट, सम ओवर देखो किस पर रखा हुआ था पार्ट, वो किसी न्यूज़पेपर पार्ट पर रखा हुआ था। सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कार्पेट, एक कालीन बिछी हुई थी, कार्पेट माने कालीन होती है, आप जानते हो नीचे कार्पेट बिछी रहती है, अक्सर देखे होंगे शादी वादी में भी ग्रीन कलर की बनी रहती है, रेड कलर की होती है, आपने देखा होगा, तो वही कह रहा है। तो उसका भाई क्या कह रहा था जियो, देखो वह अपने घुटने के बल पर फर्श पर आगे वाले कमरे में बैठा हुआ था, और वो ठीक है कालीन पर कुछ पेपर बिछे हुए थे, उसी पर कुछ अब मोटरसाइकिल के पार्ट पर ठोका ठाकी कर रहा था, ठीक है। आगे देखो, समझ में आ गया आप लोगों को,
देखो ध्यान से, अगला आगे चलो। स्प्रेड माने फैला हुआ, आगे देखो। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, मतलब वो उसके स्कूल छोड़े हुए कितने वर्ष हो गए थे, 3 साल हो गए थे। लिखो सभी लोग 3 years। क्या कह रहा था इसका प्रेजेंटेशन, 3 years, ये सब लिखे लिख लेना, ठीक है। उसे जो है स्कूल छोड़ चुके, मतलब स्कूल छोड़े, ठीक है, रिपेयर कर रहा था, वही मतलब 3 साल हो गए थे। हाँ ध्यान देना, हाँ आज बहुत सारे लोग ध्यान देना, हाँ ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उसके स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो गए थे, मतलब 3 साल से वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, स्कूल छोड़ दिया था। आगे देखो, एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अप्रेंटिस माने होता है प्रशिक्षु, लिखो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लेना, लिखो ट्रेनिंग। हाँ अगर कोई कहेगा अप्रेंटिस माने क्या होता है, तो प्रशिक्षु होता है, जो ट्रेनिंग सेशन चलती है, जो ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग में, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस लिख दो एक बार, स्पेलिंग कई बार पूछी गई एग्जाम में, आपका बाबू जलेला, ये आपका ट्रेनिंग की स्पेलिंग है, TRAINING, हाँ ट्रेनिंग, वेरी गुड। आप अप्रेंटिस भी लिखो, अप्रेंटिस के सामने ट्रेनिंग लिखो, अप्रेंटिस के सामने ट्रेनिंग लिखो, APPRENTICE। हाँ अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग, ठीक है। अब क्या कर रहा था वह, तीन स्कूल, इसको स्कूल छोड़ हुए 3 साल हो गए थे, एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अब वह एक प्रशिक्षु के तौर पे ट्रेनिंग कर रहा था, किसका, मैकेनिक के रूप में। और कहाँ जाता था, ट्रेवलिंग टू, ट्रेवलिंग मतलब होता है जर्नी, ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे ऑफ द फार साइड ऑफ द सिटी, वह प्रत्येक दिन शहर से काफी दूर, साइड माने एक किनारे जाता था। हाँ तो ही एन अप्रेंटिस मैकेनिक ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, प्रत्येक दिन वो शहर के किसी दूर छोर पर जाता था। साइड माने क्या होता है, छोर, एंड, साइड माने लिखो एंड या छोर, लिखो एंड, कॉर्नर नहीं होगा साइड का मतलब, अगर कोई कहता है साइड माने कॉर्नर तो नहीं, साइड का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिनोनिम एंड, लिख दो सभी लोग, ठीक है, साइड माने एंड, ठीक है। तो शहर के, फार माने क्या होता है, यफ लिखो, फार माने दूर, डिस्टेंस, इन डिस्टेंस, दूर, यफ ए आर, फार, फार्दर, फार्देस्ट होता है ना, आपने पढ़ा भी होगा, फार, फार्दर और फार्देस्ट, ठीक है। हाँ तो फार माने होता है दूर, तो कहां जाता था, सिटी, ऑफ द सिटी माने शहर के, तो वह कहां जाता था, हाँ ध्यान दे से देखो, एन अप्रेंटिस मैकेनिक कहां जाता था काम करने, प्रशिक्षु के रूप में, ट्रेवल करके जाता था शहर के दूर छोर पर, किसी किनारे पर। He was almost grown up. Grown up माने लिखो adult. Good money. हाँ अब एक स्पेलिंग लिखो grown up. Grown up माने होता है वयस्क, adult लिखो सभी लोग। हाँ tip of the tail story. Very good. Tail of the city. Very good. अब लिखो adult. अब देखो कोई कहेगा grown up माने क्या होता है, तो आप बता देना grown up माने होता है adult. ठीक है, adult किसको कहते हैं, कितने साल पे शुरू होता है, हमने बताया था कल, adult कितने साल पे शुरू होते हैं वो ना, एडल्ट कितने साल के ऊपर वालों को कहेंगे, बताओ आप लोग, एडल्ट कितने वर्ष के ऊपर वालों को कहेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, बताओ आप सभी लोग। हाँ नहीं 13 नहीं, ये तो गलत हो गया, हम एडोलसेंस बताए थे 13 से 17, और फिर 18 पे नहीं होगा, एडल्ट और एडोलसेंस मैं बताया था, एडल्ट क्या होता है, नहीं नहीं 19 पे नहीं, 18 पे स्टार्ट हो जाता, ओवर 18 लिखो, ओवर 18, ठीक है, ओवर 18 नहीं, इंटरफेरेंस गलत है, एडोलसेंस बोले थे बेटा, वो हमने एडोलसेंस कहा था, इसकी जो सिस्टर है वो एडोलसेंस है, ठीक है। हाँ लेकिन इसका जो भाई है जोफ है वो एडल्ट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। मैं जैसे कि ध्यान से देखा करो तो मैं ओवर 18 हूं तो मैं एडल्ट कहलाऊंगा, और आप अगर ओवर 18 बिलो 18 है तो आप कहलाएंगे एडोलसेंस, ठीक है। हाँ लिखो आप लोग क्या हो, हाँ लल्लू भैया आ गए, इनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद लल्लू भैया, आपको भी नया साल मुबारक हो। चलिए मैंने क्या कहा आप लोगों को कि लिखो आई एम एडल्ट, तुम लोग एडल्ट हो कि एडोलसेंस हो, क्या हो बताओ आप लोग, आप लोग या तो एडल्ट हो कि एडोलसेंस, तो ओवर 18 को बोलेंगे एडल्ट और बिलो 18 को बोलेंगे एडोलसेंस, ठीक है। हाँ याद रखना आई एम एडल्ट, देखो आई एम एडल्ट, तो ऐसे ही आप लोग लिख सकते हो, आई एम लिखोगे, आई हैव नहीं, ठीक है, आई हैव नहीं कहोगे, आई एम लिखोगे, ठीक, आई एम एडोलसेंट, और सभी लोग, ठीक है। हाँ आगे देखना, ठीक है आगे देखना ध्यान से। ही वाज ऑलमोस्ट, अब बताओ पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट माने लगभग, वह क्या हो गया था, एडल्ट था, नाउ माने अब वह पूरी तरीके से एडल्ट हो गया, स्कूल छोड़ दिया था, एडल्ट हो जाओगे आप भी, एक दो साल बाद हो जाओगे।
एंड सी सस्पेक्टेड. सस्पेक्टेड माने डाउट, शंका करना. सस्पेक्ट माने क्या होता है, डाउट लिखो. सस्पेक्ट माने क्या होता है, डाउट. हमेशा शंका शंका करती रहती थी, शंकित रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती थी. ठीक है, हाँ. देखो बेटा, एडोलसेंस माने नहीं होगा, आप एडोलसेंट लगाओगे ना बेटा, एडजेक्टिव बनेगा ना. हाँ, संदेह, वेरी गुड. देखो तो एडोलसेंस सस्पेक्टेड माने होता संदेह करता था. एरियाज ऑफ हिज लाइफ, वो हमेशा उसके जीवन के क्षेत्र के बारे में, जैसे कि आप हमारे अपने बड़े भाई हैं, उसके कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी दोस्तों की क्या सोच है, ये सारी चीजें आप देखते होंगे. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं. फोन आता रहता है हमेशा. हाँ हाँ, डाउट. ठीक है, देखो तो कौन सस्पेक्ट करता था, उसकी सिस्टर सस्पेक्ट करती थी. ठीक है, हाँ, उसकी सिस्टर क्या करती थी, सस्पेक्ट करती थी. क्या सस्पेक्ट करती थी, एरियाज ऑफ लाइफ, आपके एरिया का लाइफ क्या है, आपके घर पे क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मतलब है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एरिया ऑफ लाइफ. तो याद रखना एरिया ऑफ लाइफ क्या होता है. हाँ, आगे देखो आप लोग. हाँ, Which she knew nothing. अब बताओ, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी. जैसे कभी कभी आपके ये लगता होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि आखिर बड़ा भैया क्या करते हैं. आपके छोटे भाई होंगे, सोचते होंगे जी आईसी बर्गर में बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी, बड़े बड़े टीचर होंगे, भैया हमारे 12 में पढ़ते हैं, तो सस्पेक्ट करते होंगे कैसा क्या होगा. तो ऐसे ही कुछ उसकी सिस्टर है. आप यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो आपका छोटा सा जो भाई होगा वो यही सोचेगा यूनिवर्सिटी में आखिर क्या होता है. तो उसे कह रहे हैं उसी को बात के बारे में, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में मनन करना, उसके बारे में सोचने को बोलते हैं सस्पेक्टेड. तो एरिया ऑफ लाइफ माने तब उस एरिया के बारे में, आपके जीवन के बारे में जितने भी क्षेत्र में डिस्कस होगा उसे कहेंगे एरिया ऑफ लाइफ. ठीक है, आगे देखो आप. विच, अबाउट विच माने जिसके बारे में वो आप कुछ भी नहीं जानती थी. न्यू नथिंग मतलब कुछ भी नहीं जानती थी. About which he never spoke. अब बताओ, जिसके बारे में वह कभी बताया भी नहीं, कभी बोला नहीं. कौन नहीं बोला, ही लगा है तो इसका भाई. कभी इसका भाई इसके बारे में कभी कुछ बोला नहीं अपनी बहन से. He said little at all. बहुत कम बोलता है, बहुत कम, बहुत ही कम बोलता है. उसका भाई का बहुत कम बोलता है. ध्यान देना यहाँ, he said little at all. बहुत कम बोलता है, ना के बराबर बोलता है, कभी कभी बोलता है, याद रखना. वॉलंटरली, और कभी भी, मतलब वॉलंटरी माने क्या होता है बताओ. ऐच्छिक लिखो, विलिंगली. वॉलंटरीली माने लिखो विलिंगली, ऐच्छिक, ऑप्शनल. लिखो सभी लोग, कमेंट करो. लिखो सभी लोग. हाँ, विलिंगली, जानबूझकर, कभी अपनी इच्छा से नहीं बोलता था, हमेशा वो दूसरे की इच्छा के अनुसार बोलता था. ठीक है, हाँ. अगला लिखो, देखो. तो वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट. अब बताओ, वर्ड्स जो थे, शब्द उसके जो होते थे, हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स, पत्थर की तरह निकालने पड़ते थे, बड़े इंपॉर्टेंट होते थे. वर्ड्स माने जो शब्द थे, हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम, उससे बहुत ही गहराई से निकालने पड़ते थे. यहाँ प्राइज्ड आउट ऑफ हिम मतलब हैड टू प्राइज्ड आउट माने गहराई के साथ निकालना. ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा प्राइज, आउट ऑफ द ग्राउंड मतलब जमीन से, जमीन से जैसे कोई बहुत बड़ा कीमती चीज निकाला जाता हो, उसी तरीके से शब्द को उसके मुंह से निकालने पड़ते थे, बोलवाना पड़ता था. बहुत कसम हम लोग बोलते नहीं है, तो उससे बोलता नहीं था, बहुत कम बात करता था. And she was jealous of his silence. और क्या करती थी उसकी बहन, क्या क्या करती थी, उससे जेलसी हो गई थी, ईर्ष्या हो गई थी, आखिर वो क्यों साइलेंस रहता है. तो साइलेंट माने क्या होता है, म्यूट क्यों रहता है. मोबाइल हमेशा म्यूट रहेगी तो अच्छा लगेगा, वह हमेशा म्यूट रहता था, इसलिए क्या करती है, कह रहे she was jealous of his, ठीक है, हाँ, jealous of his, हाँ, job, job की बात कर रही है. she was jealous of his silence. अब जो है उसकी बहन, मतलब सी मतलब उसकी बहन, ठीक है, सोफी जो है अपने भाई के, ठीक है, साइलेंस से ईर्ष्या करने लगी थी. When he was not speaking, it was as though he was away somewhere.
When he was not speaking, जब वह बोल नहीं रहा होता, अभी आपके सामने मैं रहूं और मैं आपसे क्लास में ना बोलूं, तो जैसे आपको लगेगा ना मैं दूर हूं, और जब बातचीत करूंगा तो पास नजर आऊंगा। बातचीत से ही तो हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं। हम बात नहीं करेंगे तो आप हमें समझेंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं समझेंगे। पहली बात है तो बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, और जब एक दूसरे को मुंह खोलते हैं बोलते हैं तभी कुछ काम बनता है। तो वही बात है, कह रहा है कहां चल रहे थे। When he was not speaking, जब कभी वह बोल नहीं रहा था, जब भी वह कभी नहीं बोल रहा था, it was as though he was away somewhere, तो ऐसे लगता तो वह कहीं दूर है। दूर है मतलब करीब नहीं, दूर, कहीं दूर जगह उसका दिमाग है। Out there in the world, in those places he had never been, ठीक है, हाँ, उस स्थान पे है, he, she had never been, जहां वह कभी गई नहीं है। बीन माने होता है विजिट करने से मतलब होता है, ठीक है, हाँ, तो he had been gone, समझ जाना, तो कोई ऐसे लगता, तो ही व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग, जब वह कभी नहीं बोल रहा होता है तो इट वाज एज दो, ऐसा लगता है कि वह कहीं दूर है, वंडर कर रहा है संसार के कोने में जहां कहीं वह गई नहीं है। आगे देखना, वेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। वेदर माने क्या होता है, ऑप्शनल होता है, वेदर चाहे वो कहां हो, दे वर ओनली द आउटलाइन, वह बाहरी क्षेत्र, आउटलाइन माने लिखो बाहरी क्षेत्र, हाँ, गोइंग प्लेसेस का चल रहा है चौथा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ गोइंग प्लेसेस का, हाँ, पूरी तरीके से हम और हमारे बच्चों की तरफ से जो भी जुड़े हैं सभी की तरफ से और हमारी तरफ से सभी को नया साल मुबारक हो। चलो आगे देखो, पढ़ लो, नया साल इसी के साथ भी होगा, पहले कुछ पढ़ते हैं नहीं तो हमारा फिनिश नहीं होगा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग इट वाज एज़ दो ही वाज अवे समवेयर, जब वह कभी नहीं बोल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस, कि वह उन स्थानों पर है, घूम रहा है, विचरण कर रहा है जहां वह कभी गई नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना, गई की स्पेलिंग यहाँ बीन से छिपी हुई है, ये मत कभी नहीं हुई है, तो ये मत कहना कि कहां से गई आ गया। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन, आउटलाइन माने होता है बाहरी क्षेत्र, ठीक है, याद रखना। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी, वह केवल या शहर का, वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी, वह शहर के बाहरी क्षेत्र में गया होगा। आर प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, अथवा कंट्री माने देहात होता है, लिखो सभी लोग, गांव, देहात, ग्रामीण, रूरल लिख दो, आप कंट्री का लिखो रूरल, ठीक है, हाँ, कंट्री का क्या होता है बेटा, कंट्री का क्या होता है, रूरल, हाँ, देहात याद रखना आप लोग, देहाती अब रसगुल्ला खाओगे जब कभी जाइए वहां पे इलाहाबाद में, तो आपको देहाती रसगुल्ला, ठीक है, मिलेगा, हाँ, विलेज वाला रसगुल्ला, देहाती मिलेगा, देहात, देहात अच्छा है कि गांव, शहर, देहात ही पहले भगवान ने देहात ही बनाया था, फिर बाद में उन्होंने शहर बनाया, तो गॉड फर्स्ट मेड क्या बनाए, ठीक है, कंट्री, देन मेड आदमी ने बनाया शहर, तो गॉड हैज मेड कंट्री एंड मैन हैज मेड सिटी, समझ में आया कि नहीं, लिखो सभी लोग, गॉड हैज मेड कंट्री, लिखो, ईश्वर ने क्या बनाया है, कंट्री बनाया है, लिखो, गॉड हैज मेड कंट्री एंड मैन मेड हैज मैन है, हाँ, अब बनाया क्या, ईश्वर ने तो सब कुछ बनाया है, तो लिखो गॉड हैज मेड कंट्री, लिखो ईश्वर ने पूरी कंट्री को बनाया है, ठीक है, गॉड हैज मेड कंट्री, लिखो आप सभी लोग, गॉड हैज मेड कंट्री, वेरी गुड। अब लिखो मैन हैज मेड सिटी, इसको आदमी ने क्या किया, हाँ हाँ हाँ, देखो अब इसको क्या कह दिया है, हाँ, इसको क्या के बताओ, बताओ सभी लोग ध्यान देना, क्या होता है बताओ आप सभी, हाँ, अब ध्यान देना आप लोग, तो आर प्लेसेस बियॉन्ड एंड सराउंडिंग कंट्री, हाँ, उस स्थान पे कंट्री में, तो गॉड हैज मेड क्या हो जाएगा, कंट्री, और मैन हैज मेड सिटी, ठीक है, अब याद रखना। अब आगे चलते हैं, हाँ, वेदर देव, हाँ, ध्यान देना, आर प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, अब जो पास में, तो कह रही थी सराउंडिंग मतलब होता है आसपास, ठीक है, ऑल अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास, कभी किसी के इर्द गिर्द को बोलते हैं अराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है, किसी भी शहर के आसपास, गांव के उसमें,
तो कह रहा है वह कहाँ गया होगा, वो जब नहीं बोल रहा होता है या दूर, तो उसे लगता था वह दूर है, कहाँ पे है, उसे लगता था वह किसी उन स्थानों पर है जहाँ पे वह कभी गई नहीं है। वो स्थान कहाँ जो नहीं, कहाँ पे वो है और जहाँ वो नहीं गई है, वह या तो आउटलाइन होगी डिस्ट्रिक्ट या शहर की आउटलाइन होगी किसी जिले के, या कहीं उसके गाँव के चारों तरफ की देहात की बात होगी, जिसे हु न्यू, जिसे वह जानती है। ठीक है, हाँ आप देखो हु न्यू वन, जो जानते थे। आगे देखना ध्यान से, फिर से आप लोग देखो फिर समझ में आ जाएगा। हाँ, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही जमी, कुदरत ने बख्शी थी हमें एक ही जमी, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, है ना। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आगे फिर से देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। हाँ, निर्भर सराउंडिंग्स माने होता है, लिखो देखो इन्होंने इंटरफेरेंस ने लिख दिया है, नियरर एनवायरमेंट, आपके अगल बगल को सराउंडिंग बोलते हैं, आपके पास पड़ोस आपके सराउंडिंग है, आपके जितने भी अगल बगल पड़ोसी हैं सब सराउंडिंग है। ठीक है, याद रखना। He was kneeling on the floor in the next room. अब ध्यान देना, उसके भाई की बात चल रही है। He was kneeling, वह झुका हुआ, घुटने के बल टेका हुआ था, किस पर, on the floor माने फर्श पर, वह अपना टेक ठीक है, घुटने के बल बैठा हुआ था फर्श पर। आगे देखना, आगे क्या है, इन द नेक्स्ट रूम माने अगले कमरे में, वह घुटने के बल अगले कमरे में बैठा हुआ, टेक कर बैठा हुआ था। टिंकरिंग माने ठोंकता हुआ, ठोंक रहा था, विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के किसी पार्ट पर। ओवर सम न्यूज़पेपर, वह पार्ट किस पर रखा हुआ था, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर किस पे रखी थी, कारपेट, याद रखना, सबसे नीचे कारपेट थी, फिर उसके बाद पेपर था, उसके बाद वो जो है क्या था, वो सामान था जिसपे ठोक रहा था, उसके बाद हथौड़ी रही होगी, और उसके पास ऊपर हाथ रहा होगा, और उसका पैर किस पे रहा होगा, कारपेट रहा होगा। समझ में गए कि नहीं, याद रखना, सबसे नीचे क्या थी, कारपेट थी, कारपेट पेट के ऊपर न्यूज़पेपर रखा था, न्यूज़पेपर के ऊपर वो सामान था जो मोटर मैकेनिक वाला था, और उसके बाद उस पर हथौड़ा लेकर उस पर ठोक रहा था। ठीक है, ये मतलब निकलेगा। ठीक है, हाँ, और नीलिंग माने टेका हुआ था, तो ही वाज नीलिंग ऑन द फ्लोर, वह घुटने के बल फर्श पर लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, टेका हुआ था। इन द नेक्स्ट रूम टिंकरी, अगले कमरे, वह घुटने के बल अगले कमरे में पड़ा हुआ था, टेक लगाकर बैठा हुआ था। टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल के किसी पार्ट पर ठोका ठाकी कर रहा था, जो किसी न्यूज़पेपर पर, ठीक है, जो न्यूज़पेपर कारपेट पर फैला हुआ था उसी पे पार्ट रखा हुआ था, उसी पे ठोक रहा था। आगे देखना, He was 3 years out of school. इसका मतलब हो गया कि वह तीन वर्ष से, लगातार तीन वर्ष से स्कूल से बाहर था, मतलब स्कूल छोड़ दिया था, वह तीन वर्ष से स्कूल नहीं गया था। ठीक है, हाँ, वह इसके स्कूल छोड़े तीन वर्ष हो गए थे। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अप्रेंटिस माने अभी ट्रेनिंग सेशन चल रही थी, उसने जो क्वालिटी सीखी थी उसकी अब ट्रेनिंग से, उस पर और अपने आप को परिपक्व बना रहा था। ही वॉज मेकिंग मैच्योर, अपने आप को हिमसेल्फ, अपने आप को मैच्योर कर रहा था, मतलब अप्रेंटिस कर रहा था। तो एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अब वह एक प्रशिक्षक रूप में काम करता था मैकेनिक में, गाड़ी वाड़ी बजाने को मैकेनिक बोलते हैं। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे ऑफ द फार साइड ऑफ द सी, वह प्रत्येक दिन, ईच डे माने प्रत्येक दिन, कहाँ जाता था, शहर के किसी देर छोर पर जाता था। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क, अपने काम के लिए, टू हिज वर्क माने अपने काम के लिए, वह अपने काम को करने के लिए ईच डे माने प्रत्येक दिन कहाँ जाता था, टू द फार साइड ऑफ सिटी, शहर के किसी दूर छोर पर। तो वह प्रत्येक दिन अपने काम को करने के लिए शहर के किसी दूर छोर पर जाता था। He was almost grown up now. अब देखो, he was almost, वह लगभग, grown up now, अब adult हो चुका था, अब वह पूरी तरीके से वयस्क है, अब वह 18 साल के ऊपर है, वह अब उसके बाद, अब उसे कहेंगे हम adult, grown up माने adult, and now she suspected areas, and she suspected, अब यह जो लड़की है सोफी, सी माने सोफी, suspected, हमेशा उसके जीवन के बारे में सोचती विचारती रहती है, suspect माने हमेशा डाउट करती रहती, संदेह जताती है। एरियाज ऑफ लाइफ माने उसके व्यक्तिगत जीवन के, उसके क्षेत्र में, एरिया ऑफ लाइफ में तुम्हारा एरिया क्या है, स्कूल बर्गर आती होगी, आप लोग खाना खाते होंगे, आप लड़के हैं जो बेचारे, वो क्या करते होंगे, ऑनलाइन पढ़ते होंगे, ऑफलाइन पढ़ते होंगे, काम करते होंगे घर का, मार्केट जाते होंगे, तो उनके जो छोटे भाई, क्या आपकी एक एरिया होती है काम करने की, उसी एरिया में जो लड़के हैं, जैसे आप बताओ जो रॉकी भाई आ गए और प्रभाकर है, इनका एक क्षेत्र होगा, उसी के क्षेत्र के इर्द गिर्द काम करते हैं, तो जो छोटे भाई होंगे
ठीक है, तो उनका क्या हो, वो लड़का सोचता होगा कि प्रभाकर कहाँ जाते हैं, कैसे कहते हैं, तो उसे कहेंगे एरिया ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ये एरिया ऑफ लाइफ मतलब आपके जीवन के इर्द गिर्द जो चीजें आप करते हैं, जहां जाते हैं, जहां घूमते हैं, उसे कहते हैं एरिया ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो वह हमेशा उसके जीवन के कार्य को लेकर या उसके इर्द गिर्द हमेशा सोचती रहती थी। अब बताओ, अबाउट विच, जिसके बारे में सी न्यू नथिंग, जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और कभी जिसके बारे में वह कभी कुछ बोला ही नहीं, कुछ बताया नहीं। कौन नहीं बताया? उसका भाई। अब यहाँ देखो, लिखो अबाउट विच सी, मतलब यहाँ पे बोला गया सी मतलब लड़की को, जिसके बारे में वह नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। और आगे लिखा अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और ना तो उस चीज के बारे में कभी वह बोला ही, कुछ बताया ही नहीं उसका भाई। He said little at all. वह बहुत कम बोलता था, ध्यान देना, वह बहुत ही कम बोलता था। He was reserved. Reserved माने कम बोलना। लिखो reserved माने, बोलो reserved लिख दो, reserve गाड़ी होती ना वही लिखो। He was reserved. लिखो सभी लोग, He was reserved. लिख सकते हो क्या? वह क्या था? बहुत कम बोलने वाला था, बहुत कम बोलता था। ठीक है, हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। वह बहुत कम बोलता था, ठीक है, हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग। आज मैंने ग्रुप में नहीं भेजा, किसी भी ग्रुप में। हाँ आगे देखो, हाँ आगे आप लोग देखना है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, कभी जिसके बारे में वह कभी बोला नहीं। ही सेड लिटिल एट ऑल, वह बहुत कम बोलता था, बहुत कम बातचीत करता था। ठीक है, रिजर्व हमने बोला, तो आप लोग रिजर्व लिख रहे हो। देखो सौम्या ने सही लिखा है, इंटरफेरेंस ने भी सही लिखा है, तो याद रखो सही लिखा करो। हाँ, वह बहुत कम बोलता था। ही सेड लिटिल एट ऑल, वह बहुत कम बोलता था। इवर माने वॉलंटरली माने जानबूझकर। आगे देखो, वह अपने से, वॉलंटरली माने होता है अपने से, अपने मन से बोलना को क्या बोलते हैं? वॉलंटरली। ठीक है, अपने मन से बोलता, वह अपने मन से कभी नहीं बोलता था, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से बहुत कम बोलता था। वह अपनी इच्छा से बहुत कम बोलता था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज आउट ऑफ हिम, जो शब्द हुआ करते थे उसके मुख से निकालने पड़ते थे। कैसे निकालने पड़ते थे? जैसे जमीन से पत्थर निकाला जाता है कि नहीं? आप लोग बताओ, जमीन से पत्थर निकालना आसान है? नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू, ठीक है, और जो डिग करना, एक पत्थर अगर जमीन से निकाला जाए तो इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, हाँ, तो जमीन से पत्थर निकालने बहुत ही मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू डिग आउट, ठीक है, स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से अगर पत्थर निकालना बड़ा कठिन है। तो ये आगे देखना, वर्ड्स हैड टू बी प्राउज आउट, उसके जब उससे शब्द निकालना बड़ा ही मुश्किल था, उसी प्रकार से मुश्किल था जैसे जमीन से कोई पत्थर निकालना मुश्किल होता है। आगे देखो, नहीं अगर मालूम होगा अगर पत्थर कैसे निकालना, आज जमीन से पत्थर निकालना, आज जाके सभी लोग आपके घर में अगर पत्थर उत्थर कहीं लगा होगा आज को निकालना, तो उसके बाद आपको लगेगा अरे ये तो बहुत मुश्किल है ना, आप जाके आज पत्थर निकालना तो समझ में आ जाएगा। तो उसी तरीके से कह रहा है कि वह बहुत कम बोलता था, इतना कम बोलता था कि ये ठीक है, और उसके बहुत बात कहलवाना या उससे बात कहलवाना या बात बोलना उसी समान था जैसे जमीन से पत्थर निकालना। ठीक है, हाँ, तो सिमिली है कि नहीं? लगो लिखो सभी लोग, सिमिली है कि नहीं? सिमिली है। उसके शब्दों को निकालने को किससे तुलना की गई है? जमीन से पत्थर निकालने को। उसके बोलने की तुलना किससे की गई है? ठीक है, पत्थर निकाल, जमीन से जैसे पत्थर निकालने की तुलना से की गई है। हाँ, आगे देखना, इट्स वेरी हार्डली नहीं कहोगे, इट्स वेरी हार्ड, हाँ हार्डली भी कर सकते, चलो हाँ, निकाले हैं तो आप आज जाके फिर निकालना तो पता आ जाएगा, तब वो आपको बता देना अरे जो पैसे था कितना मुश्किल, उसकी बहन बेचारी परेशान है, हैं, उसकी बहन इतनी परेशान है और इसको पगला को समझे में नहीं आता, क्या बताएं। ऐसे ऐसे भाई हो जाते हैं, मूड खराब कर देते हैं, है ना? ऐसे भाई कैसे, कोई मतलब है ऐसे भाई का? वो बेचारी परेशान है, अभी लड़की है। चलो आगे देखते हैं। एंड सी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, अब बताओ, वो कभी नहीं बोलती थी इसलिए उसको उसकी साइलेंस से उसको ईर्ष्या हो गई थी, जेलसी हो गई थी। जेलस माने ईर्ष्या, ठीक है, हाँ, ईर्ष्या, यदि आपको अंदर, ईर्ष्या एक ऐसी राक्षसीन है, इस ईर्ष्या एक ऐसी राक्षसीन है, ये जिस पर पलती है उसी को खा जाती है, समझ गए कि नहीं? यदि आपके अंदर किसी के प्रति, जैसे अभी देखो एक आध दो लोग है ना, वो जो आते हैं जुड़ते हैं, ईर्ष्यालु हैं वो, आप लोगों 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग जो भी जुड़ते हैं उनमें से कुछ ईर्ष्यालु होते हैं। तो ईर्ष्या क्या होता है? वो अपने परिचित होते हैं, वो हमेशा ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या की एक क्वालिटी है, ईर्ष्या एक ऐसी राक्षसीन है जो जिस पर पलती है उसी को खा जाती है।
जो जिस पर पलती है उसी को खत्म कर देती, ईर्ष्या। ठीक है, याद रखना, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको किसी की उपलब्धि से आपको नफरत हो रही थी, समझ जाओ कि आपके अंदर ईर्ष्या जन्म ले ली है। आगे नहीं, आगे चलो, आगे देखना। हाँ, when he was not speaking, it was as though he was away somewhere. जब वह कभी, ठीक है, एक ने किसी ने पूछा कि सर आपके पास सिस्टर है, हमारे पास बहुत है, यहाँ बच्चियां जितनी पढ़ रही हैं सभी मेरी सिस्टर हैं, और सभी संसार में जितनी भी लोग हैं, बहुत सारे लोग है ना, हमारी सिस्टर ही हैं, हमारे बच्चे हमारे सिस्टर ही हैं। चलो, ये सारे क्वेश्चन बोई अप टू डेट अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन शुड नॉट बी अप्रूव टू मार्क। देखो, हाँ, कहाँ चल रहे थे। हाँ, ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट एज वॉज दो ही वॉज अवे समवेयर। अब देखो ध्यान से, हाँ, कहाँ पत्थर की बात है। एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। अब उसे उसकी साइलेंस से, उसकी चुप्पी से क्या थी, जलसी हो गई थी, ईर्ष्या हो गई थी। When he was not speaking, जब वह कभी नहीं बोल रही होती थी, it was as though he was away somewhere, तो ऐसा लगता था कि वह कहीं दूर चला गया है। जब कभी वह नहीं बोल रहा होता था, तो जब कभी बोल नहीं रहा होता था, तो ऐसा लगता था वह कभी कहीं दूर चला गया है। But there in the world, कहाँ चला गया है, उस संसार में चला गया जो दूर स्थित है, उन स्थानों पर जहां पे she had never been, कभी वह गई नहीं है। आगे देखना। Whether they were only the outlying district, अब कहाँ कहाँ गया होगा, या तो वो शहर के किसी बाहरी क्षेत्र में गया होगा, or places beyond in the surrounding country, अर्थात या उन स्थान पे चला हो गया होगा जो देहात में घेरे हुए थे, उन स्थानों पर चला गया होगा, surrounding जो country है वहां चला गया होगा। Who knew? आगे चलो, कौन जानता है। आगे देखो, they attend a special fascination, simply fascination माने लिखो attraction, fascination की spelling पर लिखो attraction, फैसिनेशन का लिखो अट्रैक्शन, लिखो, हाँ, कहीं बहुत दूर। आगे लिखो, दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन, फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब होता है क्या, हाँ, अट्रैक्शन माने होता है फैसिनेशन, फैसिनेशन लिख दो। फैसिनेशन की स्पेलिंग बहुत बार लोग गलत कर देते हैं, तो आप नहीं गलत करना, आपको इसलिए लिख लीजिए यहाँ पे फैसिनेशन का लिखो, हाँ, अट्रैक्शन, वेरी गुड। तो फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, ध्यान देना। हाँ, तो दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली, देखो, दे अटेंड मतलब अटेंड माने होता है प्राप्त करना, उसका उनके प्रति एक चाहती थी कि एक आकर्षण हो, अट्रैक्शन हो, सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, ठीक है, क्योंकि वह चाहती थी उसके लिए एक प्रकार से आकर्षण हो। अब देखो, किसके प्रति आकर्षण हो, उन सारी चीजों के बारे में जो उनसे साथ घटित होती थी, उसके भाई के साथ। दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन, वह चाहती थी उन सभी चीजों के प्रति, कहाँ वो जाता है, किस जगह रहता है, कैसी उसकी फ्रेंडशिप सर्किल है, क्या करता है, वह चाहती थी उसके प्रति उसका एक आकर्षण हो, ठीक है, हाँ, वो इसे बताए, सिंपली बिकॉज, साधारण रूप से, क्योंकि दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वह जो उन चीजों के प्रति वह अपरिचित थी। अननोन माने अपरिचित, अनफेमिलियर, लिखो, अननोन का क्या हो जाएगा, अनफेमिलियर, लिखो, अननोन का हो जाएगा अनफेमिलियर, अनफेमिलियर, लिखो, अनफेमिलियर, हाँ, अनफेमिलियर, वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, हाँ, दे वर अननोन टू हर एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, क्योंकि वे सारी चीजें उससे अपरिचित थी। वो शहर के जहां किनारे पे जाता था वो भी उससे अपरिचित थी, वो गांव के कहां जाता था वो भी अपरिचित थी, वो किस जगह जाता था उन सारी चीजों से अपरिचित था, वह कहाँ जाता था, क्या खाता था, उन सारी चीजों से परिचित थी। लेकिन इसकी छोटी बहन सोचती थी, सोफी सोचती थी, जो उस इन सारी चीजों से परिचित थी, वो सोचती थी उसका उसके साथ आकर्षण हो, लगाव उसके भाई के साथ, ताकि वो सारी चीजें उसके भाई को भी जान सके, अपने भाई को भी समझ सके, और उन सारी चीजों के बारे जान सके जो उसके पहुंच से बाहर है। तो रिमेंड आउट ऑफ रीच, ऑफ हर रीच माने उसकी पहुंच से बाहर है। रिमेन मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं दवा को हमेशा बच्चों से दूर रहना चाहिए। एक होम्योपैथिक दवाई होती है, आपने देखा होगा, होम्योपैथिक दवाई को क्या करते हैं लोग, निगल के तुरंत खा जाते हैं, तो उसे कहते हैं रिमेंड आउट ऑफ रीच, ऑफ हर रीच। तो बच्चों, इसको किससे रीच होना, रिमेन माने दूर थी, रिमेंड आउट माने दूर थी, ऑफ हर रीच माने उसके पहुंच से, जो दुनिया उसके पहुंच से दूर थी। आगे देखो, आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, एक बार देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे चले, ठीक है, एक घंटे होने जा रहे हैं इसलिए फिनिश करना जरूरी है। चले आगे बताओ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े, कोई मीनिंग नहीं आई हो तो समझ जाओ।
हाँ चलो आगे देखते हैं दूसरा, परहैप्स देयर, उसकी बहन के बारे में देखो साइकोलॉजिकल बात हो रही है, ठीक है। हाँ परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, शायद वहां लोग भी थे, वहां भी लोग थे, परहैप्स माने होता है प्रोबेबली, ठीक है। हाँ हाँ हिमांशु जी ने देखो कितना अच्छी बात लिख दी है, क्या नाटक है ये, है ना, कितना बढ़िया लिख दिए, आपको नमस्ते। हाँ आगे देखो बेटा सभी लोग, हाँ आगे देखना, परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, देखो शायद वहां लोग भी लोग थे, ठीक है। हाँ शायद वहां भी लोग थे, ठीक है। आगे देखो एक्जोटिक, एक्जोटिक माने होता अनोखा, यूनिक लिख दो सभी लोग, यूनिक, एक्जोटिक की स्पेलिंग लिखो EXOTIC, एक्जोटिक माने होता अनोखा या यूनिक लिखो सभी लोग, ठीक है। जो कोई चीज एक अनोखा हो उसके जैसा दूसरा ना हो उसे कहेंगे एक्जोटिक, ठीक है। हाँ यूनिक, वेरी गुड। तो कोई कहेगा इसका माने क्या होता है एक्जोटिक, तो अनोखा, यहीं पे ना याद करो, हमेशा के लिए दिमाग में रख लो एक्जोटिक मोमेंट, ठीक है। इंटरेस्टिंग पीपल, आप इंटरेस्टिंग पीपल, ठीक है। अब बताओ रुचिकर, इंटरेस्टिंग माने क्या होता है रुचिकर। हाँ तो परहैप्स देखो देयर वर आल्सो पीपल, शायद वहां भी लोग हों, अनोखे लोग हों, रुचिकर लोग हैं। हाँ इंटरेस्टिंग, आप हु माने जिनसे, आप हु माने जिनसे, जिन लोगों से। ही नेबर स्पोक, वह कभी बात नहीं करता था, पास्ट टेंस में ना, तो ताथा आएगा। तो क्या कह रहा है, परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, शायद वहां भी लोग हों जो अनोखे हों, इंटरेस्टिंग लोग हों, रुचिकर लोग हों, और उन लोगों से भी वह बातचीत नहीं करता था। ही नेबर स्पोक, वह उनसे भी बातचीत नहीं करता था। इट वॉज पॉसिबल, संभव हुआ है, संभव था। दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजली, अब बताओ वह एकदम शांत था। क्वाइट माने क्या होता, साइलेंट, वह क्या था, ही वॉज साइलेंट, वह शांत था। दो ही वॉज क्वाइट, यद्यपि वह शांत था, एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजली, और बड़ी आसानी से वो नया मित्र नहीं बनता। दो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, एक लोग कोई है, होता है बहुत आसानी से मित्र बना लेते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से मित्र बनते हैं। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, जो अमीएबल बोलते हैं, अमीएबल माने मित्रवत, लिखो अमीएबल, स्पेलिंग लिख लो AMIABLE, अमीएबल लिखो, अमीएबल मतलब उनको बोलेंगे जो बड़े आसानी से घुल मिल जाते हैं, जो मिक्स हो जाते हैं आसानी से, उसे कहते हैं अमीएबल, लिख दो सभी लोग AMIABLE, हाँ अमीएबल। तो जो अमीएबल का मतलब ऐसे दोस्तों को बोलते हैं जो आसानी से मिल जाए, घुल जाए, जो मित्र बना ले, उन्हें कहेंगे अमीएबल। अब याद रखना, गलत ना करना, अमीएबल हमने बता दिया ना, तो क्या इसका भाई अमीएबल था, आप यस आर नो में आंसर दो, यस आर नो में आंसर दो, क्या इसका भाई अमीएबल था, अमीएबल इसका भाई था, वो आसानी से इजिली, हाँ नो, वेरी गुड। हाँ देखो, हाँ दो ही वाज क्वाइट, वह शांत था, एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजिली, और नए नए मित्र जल्दी नहीं बना पाता था। आगे देखो, सी लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड माने होता विश, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, तो लॉन्ग माने होता है विश, लिखो सभी लोग, लॉन्ग्ड माने क्या होता है विश, लिखो, लॉन्ग माने विश होता है, लॉन्ग माने तुम लोग लंबा कहते होगे ना, लेकिन जब लंग, ठीक है, लॉन्ग माने विश लिखो, लॉन्ग इक्वल टू विश माने होता है इच्छा व्यक्त करना, हमने कहा विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से, विश आपने ध्यान दिया, लिख लिया कि नहीं बताओ, हाँ तो विश माने होता है डिजायर, वेरी गुड। अब ध्यान देना बेटा, कहाँ पे लॉन्ग माने विश होगा, और कहाँ पे लॉन्ग माने क्या हो जाएगा, लॉन्ग माने क्या होगा विश, ठीक है। हाँ विश की स्पेलिंग रहेगा प्रतीक मिश्रा जी WISH रहेगा, विश, ठीक है, लॉन्ग माने डिजायर या विश। अब एक बात और आप लोग ध्यान देना, लॉन्ग माने विश भी होता है, डिजायर भी होता है, लेकिन जब ये लॉन्ग अकेले रहेगा, वर्ब रहेगा, तब इसका माने इच्छा होगा, लिखो वर्ब, जब वर्ब बनेगा तब ये इसका माने होगा विश, लेकिन जब वर्ब नहीं बनेगा तब इसका माने क्या हो जाएगा, तब इसका माने लंबा हो जाएगा। तो यहाँ विश क्या है, यहाँ लॉन्ग क्या है, वर्ब लिखो, वर्ब, वर्ब के कारण इसका अर्थ हो जाएगा विश, ठीक है। हाँ लॉन्ग एडजेक्टिव रहेगा तो लंबा होगा, लेकिन अगर ये वर्ब बनेगा तो इसका माने इच्छा हो जाता है, समझ में गया कि नहीं, अगर एडजेक्टिव है तो इसका माने लंबा, अगर वर्ब है तो इसका माने इच्छा, ठीक है, समझ गया कि नहीं सभी लोग। हाँ हाँ चलो आगे देखो सभी लोग ध्यान देना। हाँ मैं कहाँ चल रहा था, सी लॉन्ग टू नो देम, अब उन्हें वह जानना चाहती थी आखिर वे लोग कौन हैं, ठीक है, उन्हें जानना चाहती थी। सी विश्ड, सी कुड बी, हाँ सी विश्ड
could be admitted more deeply into her brother's affection. वह हमेशा चाहती थी, विश माने wanted, विश माने लिखो wanted. यहाँ विश का मतलब क्या होगा? Wanted. लिखो सभी लोग विश माने wanted. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? She wished that she could be admitted more deeply into her brother's affection. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ अब देखो, सी विस्ट माने वह चाहती थी सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली, उसे स्वीकृति मिल सके. ठीक है, स्वीकृति, एडमिटेड माने उसे स्वीकृति मिल सके, उसे स्वीकारा जाए, उसका सम्मान किया जाए. मोर डीपली माने गहराई के साथ स्थान मिल सके, स्वीकारे उसका भाई. इनटू हर ब्रदर्स माने उसका अफेक्शन. तो वह चाहती थी, वह जानना चाहती थी और वह चाहती थी कि उसका भाई उसे उसके भाई की ठीक है के स्नेह में जगह मिले, स्वीकृति मिले. And that someday he might take her with him. और वो चाहती थी, मेन बात देखो, हाँ, that someday कि किसी दिन, someday माने किसी दिन, he might take her with him. और वह किसी दिन उसे अपने साथ ले जाए. And that ठीक है, क्या लिखा? That someday माने किसी दिन, he might take her with him. वह किसी दिन उसे अपने साथ ले जाए. आगे देखो, though their father forbade it. ठीक है, यद्यपि जो उसके पिता थे उसको मना करते थे. क्या करते थे? मना करते थे, फॉरबेड करते थे. दो देयर फादर फॉरबेड इट, यद्यपि उनके माता, देयर फादर का मतलब दोनों के माता, यहां देयर है ना, तो देयर मतलब यद्यपि उसके जो पिता थे वो मना करते थे दोनों को. एंड जॉब हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और कभी इसके बारे में जॉब ने अपनी राय नहीं रखी. तो जॉब माने होता है जॉब, उसका बड़ा भाई. हैड नेवर एक्सप्रेस, कभी ये व्यक्त नहीं की. एक्सप्रेस माने क्या होता है? व्यक्त करना. ठीक है, कोई बात नहीं, जुट तो गए है ना. आज मैंने ग्रुप में नहीं जोड़ा इसलिए आपने देखा नहीं होगा, किसी ग्रुप में मैंने आज नहीं भेजा. ठीक है, आप बच्चों ने शेयर किया होगा, उनका शुक्रिया. और आप लोगों ने आप अपने से अलर्ट बनिए है ना, रोज नहीं पकड़ाना चाहिए आपका सहारा है ना. तो उन्हें अगर वो शेयर किए होंगे तो आप लोग पहुंचा होगा. आज मैंने कहीं भी शेयर नहीं किया. ठीक है, हाँ, आगे देखना ध्यान से. दो देर फादर फॉरबेड इट, यद्यपि जो उसके पिता थे इससे क्या करते थे? हमेशा मना करते थे, फॉरबेड करते थे, मना करते थे. एंड जॉब हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जॉब था कभी अपनी राय अभिव्यक्त नहीं की. जॉब जो था वो कभी अपनी राय इसके बारे में अभिव्यक्त नहीं की. कौन? जॉब. ओपिनियन माने होता है आइडिया. लिखो ओपिनियन माने थॉट या आइडिया. लिखो, हाँ. फॉरवर्ड माने डिनाई होता है, नॉट कन्विंस्ड. वेरी गुड. हाँ, तो हाँ, आप ओपिनियन माने आइडिया या मत होता, विचार होता. ठीक है, वोट ओपिनियन ही लिया जाता है एक तरीके से. जो वोट पढ़ते हैं हम लोग, चुनाव करते हैं, चुनाव होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, उस चुनाव में हम लोग वोट कास्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ओपिनियन हमारी ली जाती है कि आप किसके पक्ष में हैं. तो उसका क्या हो जाएगा? जॉब हैड नेवर एक्सप्रेस्ड ओपिनियन. जॉब ने इसके बारे में, उसका बड़ा भाई जो था, कभी कोई राय भी नहीं दी कि उसको ले जाना चाहता है अथवा नहीं. सी न्यू ही थॉट हर टू यंग. सी न्यू, वह जानती थी, ही थॉट हर टू यंग, वह सोचती थी उसकी बहन सोफी कि क्या सोचती कि ही थॉट हर टू यंग, कि वह उसको अभी बहुत छोटा समझता है, नादान समझता है. जो लोग जानबूझकर नादान हो गए, मेरा ख्याल है वो इंसान हो गए. जो लोग जानबूझकर नादान हो गए, ठीक है. हाँ, हमेशा ज्ञानी बनने की कोशिश ना किया करो, ज्ञानी बनने में नुकसान है. हमेशा अच्छा ज्ञानी, आप जितना ही ज्ञानी बनोगे उतना ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा. तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, डोंट बी ग्रेट. हमेशा डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ नॉलेजेबल पर्सन. आप अपने आप को बहुत ज्ञानी व्यक्ति ना समझिए, ठीक है. यू आर नथिंग, यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं हो. सो व्हाट यू आर लर्निंग, ऑलवेज थिंक दैट वी आर जीरो एंड वी आर गोइंग टू बिकम हीरो. ओके, सभी लोग ये कोशिश करो कि हमेशा ये सोचो, वी डोंट हैव सो मच थिंग्स, हमारे पास नहीं है. बिकॉज नॉलेज इज अनलिमिटेड लॉ, नॉलेज द ठीक है, जो जेनिथ है नॉलेज की, इट इज अनलिमिटेड, इट कैन बी टस्ट. ठीक है, आप यू कैन गो ठीक है टू सी टू टच द, आप चंद्रमा पे पहुंच सकते हो, आप सूरज की भी को भी टच कर सकते हो, लेकिन आप ज्ञान की परिसीमा को कभी टच नहीं कर सकते हो. आप अंतिम छोर को, ज्ञान को कभी छू नहीं सकते. इसीलिए कहते हैं, जो लोग जानबूझकर नादान हो गए, मेरा ख्याल है वो इंसान हो गए. जो लोग जानबूझकर नादान हो गए, ठीक है.
तो इसलिए आप जरूर ध्यान दिया करो हमेशा कभी भी किसी भी, और बच्चे को किसी से सीखने की हमेशा आतुरता दिखाओ, कहीं भी जाओ किसी से आतुर हो जाओ सीखने के लिए कुछ भी, है ना, क्योंकि ज्ञान की सीमा असीमित है, है ना। आगे देखना, वह सोचता था कि वह अभी बहुत छोटी है, क्यों, आप कहेगा क्यों नहीं ले जाना चाहता था, उसके विचार से क्या वो सोचती थी, तो बता देना उसके विचार से ये था कि वह सोचता था कि वह अभी बहुत छोटी है। एंड सी वाज इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब होता है विदाउट, अधीर, अधीर लिखो सभी लोग, लिख लोगे कि नहीं, इम्पेशेंट का मतलब होता है विदाउट पेशेंस, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, तो जो अधीर हो, जिसे कुछ चीज का मालूम ना हो, धैर्य, जो धैर्य ना रख पाए उसे कहते हैं इम्पेशेंट। पेशेंट के साथ देखो, पेशेंट का मतलब होता है धैर्य, उसमें इम जुड़ जाएगा, बहुत सारे शब्दों में जिसमें इम जुड़ जाता आई एम, उसका उल्टा अर्थ हो जाता, पेशेंट माने होता है धैर्य और इम जुड़ गया तो अधैर्य हो गया, ठीक है, हाँ समझ में आ गया होगा। एंड सी वाज इम्पेशेंट, और ये वह क्या थी, इम्पेशेंट थी। सी वाज कंसेस ऑफ ए वास्ट ओपिनियन, अब देखो सी वाज कंसेस ऑफ ए वास्ट ओपिनियन, अब बताओ वह, कंसेस माने होता है अवेयर, लिखो कंसेस माने अवेयर, लिखो सभी लोग, कंसेस माने होता है अवेयर, लिखो सभी लोग, कंसेस माने अवेयर, लिखो सभी लोग, हाँ कंसेस माने होता है अवेयर, लिखो सभी लोग। सी वाज कंसेस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ देखना, हाँ जागरूक, सी वाज कॉन्शियस, वाज सचेत थी, जानती थी, आप ए वास्ट वर्ल्ड माने एक बहुत बड़ा संसार, आप ए वास्ट माने क्या होता है, वेरी बिग, वास्ट के सामने लिखो वेरी बिग, लिखो सभी लोग, वास्ट का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत बड़ा संसार, ठीक है, हाँ बहुत बड़े संसार को क्या कहते हैं, हाँ वेरी गुड, हाँ वो सोचती थी कि संसार बहुत बड़ा है, ठीक है, हाँ। And she knew instinctively, और वह जानती थी instinctively that she would feel at home there as in the world, और वो चाहती थी संसार, देखो ध्यान से, she was conscious of a vast world, वह एक सोचती थी कि ये संसार बहुत बड़ा संसार, वहाँ बाहर एक बहुत बड़ा संसार है, वेटिंग फॉर हर माने जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है उसकी, तो सी वाज कॉन्शियस, वह सोचती थी कि बाहर एक बहुत बड़ा संसार है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत सारे बच्चे भी सोचते हैं ऐसी कल्पना करते हैं। सी वाज कॉन्शियस, वह सोचती थी या जानती थी या सचेत थी या सोचती थी कि बाहर बहुत बड़ा संसार, आउट माने बाहर बहुत बड़ा संसार है, वेटिंग फॉर हर जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा में रत है। And she knew instinctively that she would feel at home there. और वह सोचती थी, जानती थी कि वह स्वाभाविक रूप से, instinctively माने ठीक है, स्वाभाविक रूप से, ठीक है, that she would feel as at home there as in the city. वह वहाँ पे जैसे कि शहर में, वहाँ पे अपना at home माने घर जैसा महसूस करना ना, which had always been her home. और शहर में ही उसका घर था हमेशा। आगे देखो, इट एक्सपेक्टेडली अवेटेड हर अराइवल, देखो आप लोगों को भी लगता होगा हम इलाहाबाद में चले जाएंगे तो खूब अच्छा खाना बनाएंगे, खाएंगे, ना तो किसी की रोक रहेगी, ना तो किसी की टोक होगी, हाँ ना तो किसी की रोक थी, तो आपको बाद में तेरी ये रोक माँ, तेरी ये टोक माँ, ठीक है, तो क्या होता, तेरी ये रोक माँ, तेरी ये टोक माँ, आज जब कोई बोलता लगती है चोट माँ, लगती है चोट माँ, तो आप बाहर भी लगता है कि क्या आप लोग जाओगे तो क्या मिलेगा, है ना, आज आपको रोक लगती होगी, मम्मी डांट देती होंगे माँ, तो आपको तुरंत बुरा लग जाता होगा, जबकि इससे पूरा विपरीत है, आज बाहर का संसार और भी आपके प्रति थोड़ा सा वो रहेगा, है ना, बीइंग परफेक्ट, वेरी गुड, समझ में आ गया कि नहीं, तो तेरी ये रोक माँ, तेरी ये टोक माँ, ठीक है, आज जब कोई बोलता लगती है चोट माँ, लगती है चोट माँ, लगती है चोट माँ, ठीक है, तो बाहर पता चलता है, हाँ तो वही कह रहा, इट एक्सपेक्टेडली अवेटेड हर अराइवल, अब बताओ यह संसार क्या रहा है, उम्मीद कर रहा है, एक्सपेक्ट माने होता है उम्मीद, और अवेटेड माने इंतजार कर रहा है, कह रहा है कि इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, जो बाहर का संसार है उसके उम्मीद बनाए लगाए बैठा है, अवेटेड हर अराइवल, जो उसकी इंतजार कर रहा है, उसके आने का इंतजार कर रहा है। सी सा हरसेल्फ इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम,
क्या हमेशा वो शहर के बारे में सोचना शुरू करती है? हाँ, कहाँ पे? सी सा हर सेल्फ, वो अपने आप को हमेशा, सी सा हर सेल्फ इन द सिटी, वह हमेशा अपने शहर के बारे, सॉरी, सी सा हर सेल्फ, वह हमेशा देखती है, राइडिंग देयर बिहाइंड जॉब, वह हमेशा ये सपनों में खोई रहती है, किया वह हमेशा ये सोचती है कि जैसे वह किसके बीच में, कल्पना कर रही है, देखो ओरिजिनल नहीं, कल्पना है एक, ध्यान देना, क्या वो सोचती, ध्यान दो। हाँ, तो सीसा हर सेल्फ राइडिंग, वह अपने आप को देखती है, राइडिंग माने घुड़सवारी किए हुए, देयर बिहाइंड जॉब, जॉब के पीछे, वह अपने आप को कल्पना कर रही है कि जैसे वह जॉब आगे घुड़सवारी कर रही है, घुड़सवारी उसके पीछे बैठी हुई है और जॉब जो है उस घोड़े को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। ही और न्यू, वह और वह बहुत नया सा कपड़ा पहनी है, वोर माने क्या होता है, हाँ, चलिए हैप्पी न्यू ईयर भैया, नया साल मुबारक हो, बहुत बहुत नया मुबारक हो, है ना। हाँ, तो ध्यान देना, भगवान करे नया साल में आपको इतनी इतनी खुशियां मिले, भगवान करे नए साल में आपको इतनी खुशियां मिले, इतनी दुआ मिले कि आप मूंगफली छीलें और मूंगफली में काजू निकले, ठीक है। हाँ, अभी आपने जुड़ा है तो ध्यान दे, भगवान करे नए साल में आपको इतनी खुशियां मिले कि आप छोले मूंगफली और निकले काजू, ठीक है, याद रखना सभी लोग। चलो, आप लेकिन लेट ज्वाइन कर रही हैं, ये तो नया साल के विपरीत है ना, समय से ज्वाइन करना चाहिए, आज नया साल मना रही थी क्या आप, है ना। आगे देखो, कहाँ चल रहे थे हम, नए साल ने डिस्टर्ब थोड़ा सा किया, तो भगवान करे नए साल में आप लोगों को इतनी खुशियां मिले कि आप मूंगफली छीले और उसमें से काजू निकले। हाँ, ध्यान देना, हाइपोथेटिक बात है, सही कह रहे हो, वह सोच रही है, देखो अगर कोई कहे था क्या घोड़े पर बैठी थी, नहीं, वह उम्मीद लगाई है, ड्रीम में रहती थी, हमने आपको क्या कहा था, वो दिन में सपने देख लिए ना, हाँ, कोई तो आप बहरम थोड़ा सा आप रजाई हो जाए हो लीजिए, है ना। आगे देखिए, मैं क्या कह रहा था, हाँ, आज ध्यान देना, इसको फिनिश करना, इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, वह ये कह रहा है कि यह संसार उसके अराइवल का इंतजार कर रहा है, उम्मीद बनाए बैठा है। सी सा हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉब, वह कल्पना कर रही है कि वह जैसे जॉब के पीछे क्या कर रहे है, बिहाइंड है ना, जॉब के पीछे बैठी हुई घुड़सवारी पे। ही वोर न्यू, और क्या पहनी है, नया सा कपड़ा पहनी है, शाइनिंग ब्लैक लेदर, और जो चमड़े का है, लेदर का है, और चमक रहा है, शाइन माने होता है चमकना। एंड सी ए येलो ड्रेस विद ए काइंड ऑफ केप, और वह उस पर एक दुपट्टा, दुपट्टा ना, दुपट्टा जानते हो कि नहीं, हाँ, लाल लाल दुपट्टा, मलमल का दुपट्टा है, जानते हो कि नहीं, तो केप माने यहाँ पे हो जाएगा दुपट्टा, ठीक है, लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, दुपट्टा आप जानते ही होंगे, है ना। हाँ, तो दुपट्टा है। अब बताओ वो किस पर बैठी हुई, एक नए से कपड़ा पहनी हुई है और काले कलर का है, चमड़े का बना हुआ चमकता हुआ कपड़ा पहनी है। एंड सी ए वेलो ड्रेस, और जो कलर क्या है, येलो कलर की, किस कलर की कपड़ा पहनी हुई है, येलो लिखो सभी लोग, चमड़े का बना हुआ, लेदर है का बना हुआ है, और पीले कलर का कपड़ा पहनी हुई है, ठीक है, तो आप लिखो लेदर और येलो, दोनों लिखो, लेदर और येलो, लेदर और येलो लिख दो। हाँ, वेरी गुड, हाँ, येलो ड्रेस, येलो माने समझ गए होंगे आप लोग, देखो ध्यान से, शाइनिंग ब्लैक लेदर, कैसा कपड़ा पहनी हुई है, काले कलर की, वह क्या कब नया कपड़ा पहनी हुई है जो चमक रहा है, काले कलर का लेदर का है। एंड सी ए येलो ड्रेस विद, हाँ, दिन भर फोन आएगा, पढ़ना लिखना नहीं है, खाली दिन भर मिस कर रहे हैं। जिनको पढ़ने वाले हैं बच्चे वो भी फोन कर रहे हैं, बताओ, जिनको 12 का सिलेबस पढ़ना चाहिए वो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, वो नया साल मुबारक बोल रहे हैं पागलों जैसे। हाँ, ब्लैक कलर का था, अच्छा, ब्लैक लेदर था और येलो कपड़े थे ना, हाँ, एंड येलो ड्रेस विद ए काइंड ऑफ केप, और दुपट्टा था, एंड फ्लू आउट माने लहरा रहा था, ठीक है, फ्लू आउट माने क्या होता है, लहराना, फ्लटरिंग आपने देखा होगा ना, उसमें आंट जेनिफर में मैंने बताया था, हाथ को फ्लटर कर रही थी, तो यहाँ फ्लू आउट माने लहराना, हवा में जब कोई चीज लहराता तो उसको फ्लू आउट बोलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, हवा में कुछ चीजें जब लहराती हैं तो उसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ब्लैक लेदर विथ येलो केप्स, वेरी गुड, केप की स्पेलिंग इंटरफेरेंस रहेगी सी ए पी ई, अब आपने गलत लिख दिया, ठीक है, उसको बेटा सही कर दो, कोई बात नहीं। आगे देखो,
तो आपने क्या किया? और वो दुपट्टा उसका कैसे लहरा हो रहा, आप इमेजिन करो आंख में बंद करके कि आपके भाई क्या कर रहे हैं आपको। आप अपने भाई के साथ बैठी हुई, आपका भाई घोड़े पे बैठा हुआ है, आप पीछे बैठी हुई हैं आप लोग, और आप क्या नाम है उसके पीछे, आपका भाई 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 कुछ बन जाए, लड़के भाई बन जाए और लड़कियां बहन बन जाए। अब लड़के सोचे मैं एकदम चला रहा हूँ गाड़ी पे, घोड़े पे बैठा हुआ हूँ, पीछे मेरी बहन बैठी हुई है, बहन क्या नया सा कपड़ा पहनी है जो शाइनिंग कर रहा है, और शाइनिंग करने के साथ साथ वो कपड़ा काले कलर का है, काले कलर का चमड़े का है, और पीला ड्रेस है, ऐसे करके सोचो, और एक दुपट्टा है, दुपट्टा जो हवा में लहरा रहा है, यही तो है, यही सोचना है, ठीक है। हाँ फ्लैपिंग, वेरी गुड, फ्लैपिंग या स्टीयरिंग, ठीक है। हाँ स्टीयरिंग माने होता है लहराना। आप देखो ध्यान से, बिहाइंड माने पीछे की तरफ, कब दुपट्टा कहाँ लहराता, हवा चलती है पीछे की तरफ कि आगे की तरफ, बताओ आप ही बताओ, आगे की तरफ लहराता है कि पीछे की तरफ, आगे उड़ता जाता है कि पीछे की तरफ जब हवा चलती है, तो आप बताओ आगे की तरफ, बिहाइंड ही तो होता है, तो इसलिए उसका दुपट्टा पीछे की तरफ कर रहा है। आगे देखो, देयर वाज द साउंड ऑफ अप्लाउज, अप्लाउज माने, और देखो एक प्रकार से अप्लाउज माने अप्रूवल होता है, प्रशंसा का, ठीक है, और बाहर ध्वनि आ रही है, स्वागत में ध्वनि, अप्लाउड की ध्वनि आ रही है, ठीक है। स्वागत में बिछा दूं नजरें, स्वागत में बिछा दूं नजरें, या मैं खूब करूं नजारा, सुबह आज अतीत को पाकर निकला अरमान हमारा, स्वागत में बिछा दूं नजरें, या मैं खूब करूं नजारा, सुबह आज अतीत को पाकर निकला अरमान हमारा। हाँ तो क्या हो जाएगा, ग्रीट, ग्रीट आ गया स्वागत, ठीक है, ठीक है। हाँ झूम झूम हर कली क्या चली, चलो आगे देखो, तो देयर वाज द साउंड ऑफ अप्लाउज, किसकी आवाज है, एक प्रकार से अप्लाउड की आवाज है, प्रशंसा की, नहीं बोलते हैं लोग बगल में जय हो जाए, वो चिल्लाते रहते हैं जब घोड़ा वोड़ा चलता है, तो किस प्रकार की ध्वनि उठ रही है, अप्लाउज की, बड़ी प्रशंसा जोश के साथ, ठीक है, हाँ की आवाज आ रही है। एज द वर्ड रोज टू ग्रीट देम, और बगल में जब वह जा रही है दुपट्टे पे, तो ऐसे लग रही है कि लोग चिल्ला रहे हैं उनकी ध्वनि में उसका स्वागत करने के लिए, ठीक है। रोज माने जब वो आगे बढ़ती है, टू ग्रीट देम, उन्हें अभिवादन करते हैं लोग। हाँ आगे देखो, फिर से एक बार देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रेस, हाँ वेरी गुड, अप्लाउज माने प्रेस, हाँ वेल्डन जो बोलते हैं उसको भी अप्लाउड बोलते हैं, किसी चीज की प्रशंसा करने को बोलते हैं, हाँ अप्लाउज, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ध्यान देना। Perhaps there were also people, शायद वहां भी लोग थे, ठीक है, शायद वहां भी लोग थे, एग्जोटिक, जो कहां भी जहां वो जाता होगा, शायद वहां भी लोग हों जो बड़े अनोखे और इंटरेस्टिंग रुचिकर लोग हों, वह जिनसे आप whom he never spoke it, वो जिस जिनसे वह बातें नहीं करता हो। इट वॉज पर पॉसिबल, संभव हो सकता है, दो ही बात है, क्वाइट, शायद वे लोग शांत, यद्यपि वह शांत था, ठीक है, क्योंकि यह संभव है क्योंकि वह शांत था, एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजली, और नए नए मित्र आसानी से नहीं बनाता था अकेलेपन में। सी लॉन्ग टू नो नो देम, वह हमेशा इच्छा करता था कि उनके बारे में, वह हमेशा चाहती कि उसके बारे में, उन लोगों के बारे में वो जाने जहाँ वो। सी विश्ड सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इन टू हर ब्रदर्स अफेक्शन, वह चाहती थी, विश करती थी कि काश उसको अपने भाई के अफेक्शन में, प्रेम में, उसे गहराई के साथ स्वीकृति मिल सके, जगह मिल सके, प्यार मिल सके। एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम, और वह चाहती थी कि किसी दिन वह उसे अपने साथ लिवा जाए। दो देयर फादर फॉरबेड इट, यद्यपि जो उसके पिता थे इसके लिए मना करते थे, फॉरबेड करते थे, एंड जेफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जेफ ने भी कभी इसके बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं की। सी न्यू सी थॉट हर टू यंग, वह जानती थी कि वह सोचता वह जानती थी या सोचती थी कि वह अभी उसको क्या समझता है, बहुत ही कम उम्र का समझता है, यंग समझता है। एंड सी वॉज इम्पेशेंट, इसलिए वह क्या होती उठती थी, अधीर होती उठती थी। सी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड, वह हमेशा उस सचेत थी कि बाहर एक बहुत बड़ा संसार है, देर बाहर वहां वेटिंग फॉर हर, जो उसका इंतजार कर रहा है। एंड सी न्यू इंस्टिंक्टली दैट सी वुड फील एज एट होम, और वह हमेशा यही स्वाभाविक रूप से सोचती थी कि वहां उसे, ठीक है, उस संसार में भी एक तरीके से उसे क्या मिलेगा, वो मिलेगी, क्या नाम है, एट होम महसूस करेगा, परफेक्शन मिलेगा और सुकून मिलेगा, घर जैसा महसूस रहेगा, ठीक है। हाँ
देयर एज इन द सिटी, जैसे कि शहर में, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, जहां उसका घर रहा है, इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, जो उसकी बड़ी उम्मीद के साथ उसकी आगमन का इंतजार कर रहा था. सी saw herself riding there behind, वह कल्पना करती है कि वह अपने भाई के पीछे घुड़सवारी कर रहा है, उसका भाई उसके पीछे बैठी हुई है. और he wore new, वह नया कपड़ा पहनी हुई है, shining black, और चमकता हुआ काले कलर का कपड़ा पहनी है, लेदर का, चमड़े का. and see a yellow dress with a kind of cape, और पीले ड्रेस में है, जो एक प्रकार से पीले जो है उस पर दुपट्टा ली हुई है, और जो दुपट्टा पीछे की तरफ लहरा रहा था. देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लाउज, जब वह वहां जाती है तो एक प्रकार से वहां पे प्रशंसा की ध्वनि उठती है. एज द वर्ड रोज टू हिम, और संसार जैसे उसे अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ रहा हो. जब जैसे कि संसार वो जब जा रही तो वहां एक ध्वनि करते हुए जैसे लग रहा है कि संसार उसके अभिवादन के लिए वापस आगे बढ़ रहा है. आपको समझ में आ गया कि नहीं, बताओ बताओ आप सभी लोग. अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो. हाँ, आप थोड़ा पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा. हमको तीन पैराग्राफ फिनिश करना है, ठीक है, इसलिए चूंकि आप लोगों को कभी टाइम नहीं बचा है, समझे कि नहीं. हाँ, आगे देखो अगला बारे में. ही सेड फ्राउनिंग, फ्राउनिंग माने होता है भौहें चढ़ाकर किसी को देखना. देखो आप नहीं, ठीक है. हाँ, आप लोगों के जो है आपने देखा होगा किसी को आप भौहें चढ़ाकर देखेंगे तो उसे कहते हैं फ्राउनिंग. फ्राउन माने एनवायर्ड होता है. क्या होता है, लिखो एनवायर्ड. एनवायर्ड माने नाराज. लिखो फ्राउन का ANNOYED, एनवायर्ड लिखो, एनवायर्ड लिखो. हाँ, एनवायर्ड माने लिखो एनवायर्ड. एनवायर्ड लिखो. हाँ, एनवायर्ड माने होता है. हाँ हाँ, करिश्मा चौहान राजपूत, आप बहुत देर से जुड़ी हैं. आप 6:15 बजे और रोज एक बार चेक कर लिया करिए, लिंक जाता है ठंडी में, थोड़ा लेट होता है, आप जुड़ा करिए टाइम से. अब क्लास पूरी तरीके से लगभग बहुत कम टाइम तक चलेगी, इसलिए समय से जुड़ा करिए, है ना. हाँ, यदि पढ़ने वाली हूँ. आप याद रखो कि आप लोगों को बहुत सारी टेक्निक मिलेंगी, और धीरे धीरे पढ़ते रहो, और एग्जाम तक साथ ना छोड़ो, ताकि जो है आपको बहुत सारी चीजें रणनीतिक तरीके से हम आपको बता सकें, ठीक है. कब कौन सी रणनीति बताएंगे, अभी सिलेबस की है, धीरे धीरे सब चीज पता चलेगा. हाँ, मैंने क्या कहा आप लोगों को. हाँ, फ्राउंड माने होता है एनवायर्ड, ठीक है. हाँ, एनवायर्ड ANNOYED, एनवायर्ड माने होता है नाराज, किसी से खफा हो जाना, ठीक है. हाँ, किसी से खफा हो जाना. चलो अच्छा. He said frowning at the oily. Oily माने होता है तेल से लगा हुआ, तेल से. Oily आप चीज मत खाया करो ज्यादा, oily चीज नुकसान करती है. Pertaining with oil, जो मिक्स हो oil से, जो इसमें oil का से जुड़ा हो उसे कहते हैं oily, ठीक है. He said frowning at the oily component. Component माने होता है goods, सामान, चीजों को बोलते हैं component, घटक बोलते हैं component. तो कह रहे हैं ही सेड फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट, वह जो तेल से युक्त था कोई काम था, ठीक है. हाँ, तैलीय पदार्थ कोई रहा होगा. अब देखो, ही सेड फ्राउनिंग, वह घूर रहा था, उसके ऊपर नाराजगी जाहिर कर रहा था, घूर रहा था, सॉरी, किस पर घूर रहा था, एट द ऑयली कहूं कोई. देखो ध्यान से, कोई सामान लिया था, आपने देखा होगा जब सर्विसिंग कराने जाते होंगे गाड़ी का, तो कंपोनेंट माने घटक होते गाड़ी का, निकाला जाता है, खोला जाता है, तो उस पे पेट्रोल लगा के या तेल लगा के कोई चीजें उसको साफ किया जाता है, या गाड़ी को रिन्यू किया जाता है, उसमें जो कचड़े होते हैं या जो कमियां रहती है उसको इम्प्रूव किया जाता है. तो यहाँ ऑयली मतलब वही, ऑयली कंपोनेंट माने वही सामान से मतलब है. तो वह बैठ कर क्या कर रहा था, फ्राउन कर रहा था, भौवें चढ़ाकर देख रहा था, नाराज नहीं आएगा यहाँ, भौवें चढ़ा रहा था. ही सैड फ्राउनिंग, वह भौवें चढ़ा रहा था या घूर कर देख रहा था, वह भौवें चढ़ाकर देख रहा था, किस पर देख रहा था, ये जो तेल से युक्त जो वहां पे घटक था, सामान था, ठीक है, घटक. ही क्रेडल इन हिज हैंड, उन्हें हाथ में लिया था. क्रेडल माने क्या होता है, क्रेडल माने होता है हाथ में लेना, और क्रेडल माने होता है पालना, अपने हाथों में उसे लिया हुआ था. एज दो इट वर ए स्मॉल डम्ब एनिमल, और ऐसे जैसे लगता था वो हाथ में उसे लिया था, जैसे लगता था कि कोई छोटा सा जानवर हो. एज दो इट वर ए स्मॉल डम्ब एनिमल, ऐसे लगता था कि ये कोई छोटा सा जानवर हो. एज दो इट वर ए स्मॉल डम्ब एनिमल, ऐसा लगता था कि एक छोटा सा कोई जानवर हो. एंड ही वॉज विलिंग विथ टू स्पीक,
और ऐसा लगता था कि वह जैसे उससे बुलवाना चाहता है। ही वॉज विलिंग माने इच्छा कर रहा है टू स्पीक माने बुलवाने की, ऐसा लगता था जैसे वह इससे बुलवाने की इच्छा कर रहा था। आगे देखो He said, अब देखो ध्यान से, he said वह बैठा हुआ frowning घूर रहा था at the oiled component एक तेल से लगे हुए किसी पदार्थ पर, किसी पार्ट पर, पुर्जे पर, he cradled in his hand जिसे वह अपने हाथ में लिया था, तो अपने हाथ में लिए हुए एक किसी oily component पर लगे हुए पुर्जे पर, वह अपने हाथ में लिए हुए किसी oily component पर ठीक है घूर कर देख रहा था, ठीक है ध्यान से भौवे चढ़ा कर देख रहा था, एज दो इट वर मानो कि इट वर ए स्मॉल डम जैसे लगता था कि कोई एक छोटा सा चुपचाप रहने वाला गूंगा कोई जानवर हो। डम माने होता गूंगा, लिखो सभी लोग डम माने गूंगा, ठीक है जो कभी ना बोलता उसे डम बोलते हैं डी यू एम बी, ठीक है हाँ म्यूट मत बता, डम माने होता है म्यूट होता है, पर म्यूट को अनम्यूट किया जा सकता लेकिन डम को डम नहीं किया सकता, समझ गया इंटरफेरेंस क्या होता है। डम मतलब क्या होता है आप गूंगा होता है, तो गूंगा को कभी बोलवाया नहीं जा सकता है लेकिन म्यूट को अनम्यूट किया जा सकता है, समझ में आ गया कि नहीं। तो डम माने गूंगा ऐसा परमानेंट जो नहीं बोलता है, हु डजंट स्पीक परमानेंटली जो परमानेंट नहीं बोलता उसे कहते हैं डम, ठीक है तो क्या देखो आगे हाँ दो इट वर ए स्मॉल डम एनिमल जैसे लगता था कि कोई छोटा सा उसके हाथ में जो घटक लिया था तेल से लगा हुआ पदार्थ लिया था पार्ट लिया था माई बाइक वाइक का, ऐसा लगता था कोई डम एनिमल हो कोई गूंगा जानवर लिया हो छोटा सा। एंड ही वॉज विलिंग टू और ऐसा कोशिश कर रहा हो कि बोलो भैया बोलो जानवर को लेके उसको बुलवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है हाँ। आई मेट डैनी कैसी सोफी सेड, अब देखो यही टर्निंग पॉइंट है, बताया था मैंने टर्निंग पॉइंट है ना। आई मेट डैनी कैसी सोफी सेड, तब तक सोफी कही कि मैंने तो डैनी कैसी से मिली हूँ। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली वेयर, ठीक है और उसके बाद इतना कहने के बाद क्या मैं मिली हूँ, ठीक है अब देखो he looked around abruptly उसके बाद अचानक, abrupt माने वो होता suddenly, लिखो abrupt माने suddenly है ना हाँ। he looked around abruptly उसके बाद वो चारों तरफ अचानक देखी, where माने कहाँ, ठीक है अब देखो कहाँ देखी in the sorry देखा। he looked around abruptly उसके बाद जब ये कही I met Danny Casey जब वह कही कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ तो सोफी ने कहा, सोफी सेट में सोफी ने कही कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली तब तक जो है ठीक है वह क्या है चारों तरफ देखा, वेयर माने कहा, उसके बाद पूछा आखिर कहाँ तुम मिली हो। वह कही हम डैनी कैसी से मिली थी, ठीक है मैं डैनी कैसी से मिली थी, तब तक उसका भाई चारों ओर देखा उसके बाद कहाँ बात मिली, वेयर माने कहाँ। इन द आर्केड, आर्केड माने होता है मार्केट में, ठीक है हाँ याद रखना आर्केड माने क्या होता है मार्केट, लिखो आर्केड का मार्केट लिखो, आर्केड माने होता है मार्केट, लिखो सभी लोग आर्केड माने मार्केट, आर्केड माने होता है मार्केट, लिखो सभी लोग आर्केड माने होता है मार्केट। आर्केड माने होता है मार्केट, लिखो सभी लोग हाँ। तो वह पूछा कि आखिर कहाँ मिली हो, ठीक है हाँ वेयर माने कहाँ मिली, तो ये कह रही है फनली एनफ देखो ध्यान से कहता कहाँ मिली हो, ठीक है अब उसके ऊपर फनली एनफ पर्याप्त रूप से थोड़ा फनी अंदाज में, फनली एनफ माने फनी अंदाज में, इन द मैनर ऑफ फन, लिखो इन द मैनर ऑफ फन, इन द मैनर ऑफ फन लिखो फन, इन द मैनर ऑफ फन हाँ। तो ये मिले कहाँ थी याद रखना हाँ इन द मैनर ऑफ फन। किस अंदाज में मिला था, फनी अंदाज में देख पूछता है हाँ फनली है ना। इन द कहाँ मिली बाजार में, इट इज नेवर ट्रू कह रहा है या तो सच हो ही नहीं सकता है कभी, इट इज नेवर ट्रू मतलब या कभी सच नहीं हो सकता है, ठीक है हाँ। देखो ध्यान से, इट इज नेवर ट्रू या कभी सच नहीं हो सकता है, जिन्हें जाना है वो चले जाएं, बहुत लेट हो रहा है 7:45 हो गए होंगे, इसलिए जिनको छोड़ना है क्लास छोड़ दें, मैं यही पैराग्राफ पढ़ाऊंगा बस, इसलिए जिनको क्लास जाना है वो लीव कर दें है ना तो कह रहा है इट इज नेवर ट्रू या कभी सच नहीं हो सकता है, ये तो सच नहीं। आई डिड टू कह रहे मुझे भी यही लगता है
यू टोल्ड डैड, क्या तुमने कभी डैड से बताया? सी सूक, सुकमा ने हिलाया, लिखो सुकमा ने हिलाना, लिखो सुकमा ने सर हिलाने को बोलते हैं। सी सूक हर हेड, अपना सर हिलाई। एंड चेस्ट एंड हिज अनअवेयरनेस, वह अपना जो है सर हिलाई, ठीक है, मना, ठीक है। अब बताओ, हाँ, सी सूक हर हेड चेस्ट एंड हिज अनअवेयरनेस, और उसके अवेयरनेस, उसके ना जानकारी पर, अवेयरनेस पर उसने दुख जताया। चेस्टेंड माने क्या होता बताओ? पनिशमेंट भी होता है चेस्टेंड। हाँ सर, आप कब तक लाइव करेंगे? अभी तक करेंगे, बस 10 मिनट करेंगे बस। हम 3-3 घंटे 4-4 घंटा लाइव करते हैं। ये तो आज अभी हम जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं 3 पैराग्राफ। सी सूखर हेड, उसने अपने सर को हिलाया, और चेस्टेंड एट हिज अनवेन, और उसके बाद हिलाई, और उसके अज्ञानता पर उसने क्या जताया? शोक जगाया, दुख जताया। हाँ, दैट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, कि वह हमेशा क्या कहता था, क्या कोई भी, दैट ही वाज ऑलवेज, हमेशा वह व्यक्ति ऐसा था फर्स्ट टू शेयर, जिसके साथ वह अपनी सीक्रेट को शेयर करती थी। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर तो विश्वास नहीं करता हूँ। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ इन रॉयस विंडो, अब आगे देखा कि वहां पे जो रॉयस की खिड़की में है, तो वह आई वॉज लुकिंग, मैंने, मैं देख रहा था। When someone came, जब कोई आया, जब मैं देख रही थी रॉयस की खिड़की की तरफ, ठीक है, देख रहा था, तो कोई व्यक्ति आया। And stood, और खड़ा हो गया, beside me, माने मेरे बगल में। And I looked around, and who should it be but Danny Casey, तब यह कोई व्यक्ति नहीं था मेरे समीप, जो खड़ा हो गया था वह कोई और नहीं था बल्कि डैनी कैसी था। मेरे बगल में जो खड़ा हुआ था कौन था? डैनी कैसी था। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, टाइम लेट हो रहा है, स्कूल भी आना है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। 21 लोग हैं इस समय, आप सभी लोग स्कूल आइए, स्कूल पढ़ना है, स्कूल खुला है, शायद पढ़ाई जो है आज पहला जनवरी है तो सभी लोग जाएंगे भी, ठीक है, इसलिए सभी बच्चे जो भी यहाँ पढ़ते हैं वो लोग सभी लोग स्कूल आए, और जो भी पढ़ाई होगी उसको पढ़ें। आप अंग्रेजी पढ़ ले रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन इसको 5-6-7 दिन में खत्म करना जरूरी है, इसलिए डेली बैठो आप, थोड़ा किस्सा कहानी कम और पढ़ाई थोड़ा 2-3 पैराग्राफ डेली निकल जाए। आप ध्यान से एक बार और मैं इसको दोहराता हूँ, और जिनको जाना हो जाए फिर से ऑफलाइन आप क्लास देख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? हाँ। He said frowning at oily component he cradled in his hand, अपने हाथ में कोई पार्ट लिया था मोटरसाइकिल का, ठीक है, बाइक का, और उसमें तेल लगा हुआ था, उस पर बैठा हुआ घूर कर देख रहा था, भावे चढ़ा कर देख रहा था। एज दो माने मानो, इट वर ए स्मॉल, जैसे लगता था कि कोई एक गूंगा सा जानवर लिया हो अपने हाथ में। एंड ही वॉज विलिंग टू, और उसको कोशिश कर रहा है बुलवाने का। ही वॉज विलिंग माने कर रहा है, चाह रहा है कि वह बोले। अब उसके बाद सोफी कहती है, मैं तो डैनी कैसी से मिली हूँ। सोफी क्या कही? कि मैं तो डैनी कैसी से मिली हूँ। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली, उसके बाद क्या की, वह चारों तरफ एब्रप्टली देखता है। ही लुमाने, यहाँ लड़का का बात है, जॉप ही मतलब जॉप, जॉप ने क्या किया, चारों तरफ देखा। जब वह कही कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, उसके बाद जॉप जो है चारों तरफ देखा, आखिर कहाँ जाए डैनी कैसी, आ तो नहीं गया, तो उसके बाद कहाँ मिली हो, तो कहती इन द मार्केट आर्केड फनी एनफ, फनी अंदाज में जो है जवाब आता है कि बाजार में। इट इज नेवर ट्रू, या कभी सच नहीं हो सकता है। आई डिड टू यू टोल्ड डैड, मैं ठीक है, मैं तो नहीं मानता, तुमने इसको डैड से बताया। तो उसके बाद कह रहे सी सूक हर हेड, तो उसने सर को हिलाया, मतलब उसने मना कर दिया, ठीक है। हाँ, सूक हर हेड माने डिसएग्री, उसने मना कर दिया। चेस्टेंड हेड इज अवेयरनेस, और उसके जो अवेयरनेस थी, ठीक है, हाँ, मना कर दी। सी सूक हर हेड, वह अपने जो है मना कर दी, हाँ, वह मना कर दिया। चेस्टेन हर्ट इज अवेयरनेस, उसकी अज्ञानता पर दुख जताया। दैट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट, और वही वह व्यक्ति था जिसके साथ वह हमेशा अपने सीक्रेट को शेयर करती थी। पहला व्यक्ति, द फर्स्ट मतलब पहला व्यक्ति, टू शेयर माने जिसके साथ शेयर करता। ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट, वह पहला आदमी हमेशा से हुआ करता है जिसके साथ वह अपना सीक्रेट शेयर करती है। I don't believe it, मुझे तो इसमें विश्वास नहीं है। There I was looking at the clothes in Royce window, कह रहे कि मैं वहाँ पे जब Royce की विंडो की तरफ लुक कर रही थी, ठीक है, कह रहे थे जब मैं Royce की खिड़की की तरफ देख रहा था। When someone came, तो कोई आया, and stood, और खड़ा हो गया beside me, मेरे बगल में। And I looked around, and, और उसके बाद मैं चारों तरफ जो है देखा, मैंने चारों ओर देखा।
तो कह रहा आई लुक्ड अराउंड चारों तरफ, हु शुड इट बी बट डैनी कैसी, या आखिर कौन हो सकता था डैनी कैसी के अलावा। ठीक है, तो सभी लोग याद रखना इसको, खूब अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल आपका रहे। देखो ध्यान से देखना, नया साल में क्या है आपने देखा, ये हुसैनी तस्करा है, ये हुसैनी तस्करा है जिसपे आलम ए फीदा है, ये हुसैनी तस्करा है जिसपे हर आलम फीदा है, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, वो है मौला अली का दीवाना। ए हुसैनी तस्करा है, ए हुसैनी तस्करा है जिस पे हर आलम फिदा है, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, वो है तेरा मेरा है दीवाना। तो याद रखना सभी लोग, नए साल में जाओ एंजॉय करो मेहनत के साथ। ठीक है, हाँ जो नहीं नहाया तो अब क्या हो गया, हाँ जो भी नहीं नहाया आज नहाए या नहाए, इतनी ठंडी मैंने कहूंगा नहीं बीमार हो जाएगा। ठीक है, ए हुसैनी तस्करा है, ए हुसैनी तस्करा है इस पे हर आलम फिदा है, इस पर जो नहाया आएगा नहीं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, नहाओ रोज डेली, लेकिन हम नहीं कहेंगे भाई आपके पास क्या व्यवस्था, ठंडी से ज्यादा पड़ रही है, हम तो नहा लिए बस ये जानते हैं, आपके पास जिस प्रकार से व्यवस्था हो उसी तरीके से रहिए सभी लोग। ठीक है, हाँ आप नया साल में खूब करिए। तो ये गाना हम जो है खूब अच्छे, ये हुसैनी तस्करा है जिस पे हर आलम फिदा है, ये हुसैनी तस्करा है जिस पर हर आलम फिदा है, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, वो है मौला अली का दीवाना, वो है मौला अली का दीवाना, जो है मौला अली का दीवाना। ए हुसैनी तस्करा है, ए हुसैनी तस्करा है जिस पर हर आलम फिदा, जिसने सीखा नहीं सर झुकाना, वो है मौला अली का दीवाना, वो है मौला अली का दीवाना। चलो अच्छा आप जाओ सभी लोग, सभी लोग को नए साल की मुबारक। ठीक है, हाँ हाँ आप मोर आप नहाना ही पड़ेगा, किसी तरीके से नहाना पड़ेगा। ठीक है, सभी को नए साल में देखो बेटा, एक साल हमने भी बिताया, याद रखना जो टैलेंट होगा जिसने कीन किया होगा उसका साल सफल रहा। ये मैंने देखो, जो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट, जो टीचर ने आपको एक साल सबका बीत गया, मेरा भी बीत गया, दूसरे भी टीचर का बीत गया, लेकिन मेरे हिस्से में कितनी आपकी दुआएं आई, दूसरे के हिस्से में कितनी दुआएं आई, हमने समाज के साथ कितना शेयर किया ये महत्वपूर्ण है, हमने समाज को कितना दे दिया ये महत्वपूर्ण है, आप अपने जीवन के लिए हमने क्या क्या गेन कर लिया ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ तो ये महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में आपने क्या क्या इस साल सीखा वही साल है और सब बेकार है। तो इस तरीके से जैसे कि एसी क्लास में बैठा हुआ एक लड़का आपका डेली ऑनलाइन किया होगा और डेली सीखा होगा, उसका एक साल अनुपम हो गया, मनोहर हो गया, और उसी क्लास में बैठा हुआ एक लड़का रोज आया होगा और खेल के गंवा दिया होगा, उसका भी साल बीत गया। तो ये मतलब बीतना ये जरूरी था, पर उस बीत के बीच में आपने क्या जो है आपने क्या क्या सीखा एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। तो आपके एक साल उनका ज्यादा सफल रहा जिन्होंने क्लास की प्रत्येक चीज को एंजॉय किया और प्रत्येक पल को जिया, हर चीज को महसूस किया, खूब अच्छे से जी भर कर जिया, उसे कहेंगे हम सफल व्यक्ति। आप लोगों ने कितना गेन किया क्लास में आके या घर पे, उसका साल बीत गया। सिंपल सा बताओ, हमने एक साल में क्या आपको दिया साल सबका। इसलिए जही भी जाओ जी भर कर जियो, खूब मेहनत के साथ जियो और खूब मन भर कर जियो। ठीक है, तो इसलिए जिसका साल वही क्लास में बैठा हुआ 365 दिन का एक लड़का पढ़ा होगा और ज्यादा पढ़ा होगा, उसका भी एक साल बीत गया, लेकिन जो उसने मेहनत किया होगा उसके हाथ लग गया। और एक लड़का दूसरा भी होगा जिसने कभी रोज आया होगा 365 दिन, लेकिन वह पढ़ा नहीं होगा, उसका भी एक साल बीत गया। अब दोनों में कितने अंतर हो सकते हैं आप समझ सकते हो।
एक लड़का जो है एक साल में कितना कर सकता है जान लो, असीमित शक्ति होती है। उसी में एक साल में पढ़ा हुआ लड़का कहीं नौकरी पा गया होगा, एक लड़का पढ़ता रहा होगा, तो साल उसका सफल माना जाएगा जिसने मेहनत के साथ पढ़ाई की, जिसने खूब अच्छे से की। रही बात है पिछले वर्ष की, अब हम अगले वर्ष के बारे में यदि हमें सोचना पड़े तो अगले वर्ष में हमें क्या करना है, अभी से डिटरमिन हो जाओ। सबको एक साल बिताने हैं, क्या अगला साल आप इसी तरीके से बिताएंगे या इसमें कुछ भी आएगा? हाँ, अब आप 23 में, आपने 2023 में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, और 2023 हमने देखो बहुत सारी यादगार लम्हे आपके होंगे जो हमेशा याद आएंगे, और हमने भी बहुत कुछ आपसे सीखा, आपने नहीं सीखा, मैंने भी आपके साथ बहुत कुछ सीखा, एक एक पल को सीखा, हर चीज में एंजॉय किया। तो आप ही नहीं सीखा, मैंने भी सीखा, ये केवल नजदीक वाले सुने और दूर वाले स्कूल की तरफ पढ़े जाएं, ठीक है? हाँ, मैंने क्या कहा, ठीक है, मैंने कहा मैंने भी सीखा, आपने भी सीखा, पर याद रखो कि मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा कर ही दिया जो हमें लगता है कि जो करना चाहिए था। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी कविताएं लिख दी और एक तरीके से प्रसिद्धि की तरफ बढ़ा, एक कविता के रूप में लोग मुझे जानने लगे। कम से कम जितने सब्सक्राइब किए हैं उतने तो जानते ही हैं, देखने वाले तो 3,000 हैं, लेकिन जानने वाले तो इतने हो गए कि मुझे 1,365 लोग हैं और उतने लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने कमाई की एक 1500-1300 दुआओं में। मैंने कभी सब्सक्राइब करने के लिए किसी से डायरेक्टली नहीं कहा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिसली लो किए, तो मुझे लगता है कि ये चीजें मुझे अलग कर दी लोगों से। और मैंने मेहनत के साथ जो आपके साथ दिया है ज्यादा समय, ऑनलाइन शुरुआत की, ये भी हमारे लिए अलग थी। तो मैंने इसी साल में कुछ अलग करने की कोशिश की आपके लिए, लेकिन ये भी नहीं है कि आप कह सकते हो कि मैंने 100% आपके साथ जो है बहुत कर दिया। अभी भी गुंजाइश थी कि मैं आपको शुरू में ही शुरू कर देता तो आज इंग्लिश में आपको ये दिक्कत नहीं आती। तो कुछ खोया है, कुछ पाया है, ठीक है। जीवन एक खेल निराला है, कुछ खोना है, कुछ पाना है, ठीक है। हाँ, एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा, ठीक है। हाँ, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जान लो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख आएंगे, कुछ सुख आएंगे, लेकिन आज के बाद ध्यान देना कि इसी चीज में आपको पहचान बनानी इस वर्ष में, और आपको अपना नाम कराना। जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, ठीक है। हाँ, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, और एक दिन हम लोगों की सारी स्वरत सारा रुतबा मिट जानी है। तो जिंदगी हमारे और आपके बीच में एक बॉन्ड है, टीचर और बच्चे का एक बहुत बड़ा बॉन्ड होता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, जो जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। ये महसूस करने का बॉन्ड होता है, ये इमोशन का बॉन्ड होता है। और इमोशनली देखा जाए तो मैंने बहुत सारे कनेक्टेड रहे आप लोगों से, और मैंने महसूस भी किया। कई बच्चों के मैं चैनल दिखा दूंगा आपको जहां पे मैं ही राज किया, बहुत सारे लोगों पे राज किया, और बहुत सारे लोगों के स्टेटस पे राज किया, और बहुत बच्चों की दुआओं में मैं डीपी पे पाया अपने आप को, और अनगिनत ढेर सारी यादें मैंने आप लोगों के साथ सजोया। चाहे वो साइंस क्लास का लड़का हो, चाहे आर्ट साइंस का क्लास का लड़का रहे, लगभग हमने देखा कि सभी लोगों पे अगर देखा जाए तो हमने आपके दिल पे राज किया, और आपको मैंने अपने दिल में खूब अच्छे से बिठाया। ये दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, गिर गिर के मुसीबत, हाँ अभी गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गिर गिर कर ही मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, गिर गिर कर मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। याद रखना अभी लोग, इसको दोबारा भेज दो तो, हाँ, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे। दूसरी लाइन नहीं भेजा आपने,
गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसने भेजा नहीं दूसरी लाइन, मुझे याद नहीं है, मुझे पूरी याद है, पूरी सिस्टम से याद नहीं है। तो मेरे दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, याद कर लेना मेरे साथ और हमेशा के लिए। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर कर, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, औरत है वही औरत जिसे दुनिया की शर्म है, औरत है वही जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो इज्जत सो हो इज्जत से मरेंगे, जिंदा है अगर जिंदा है अगर जो इज्जत से तो इज्जत से मरेंगे। दुनिया है मालिक तेरे साथ तो न डर गम से तू ए दिल, मालिक है तेरे साथ तो डर न डर तू ए दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, मालिक है तेरे साथ तो न डर मरे ए दिल, मालिक है तेरे साथ तो न डर तू ए दिल। ठीक है, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, मेहनत करेगे काम तो क्या काम है मुश्किल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर कर, गिर गिर कर हम चलते हैं मेरा, गिर गिर कर हम आग पर चलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग इसको, इस लाइन को आज जाके खूब बढ़िया से देख लेना। हम मेहनत के साथ है, हमें ध्यान देना है कि हम किसी भी तरीके से हारेंगे नहीं। ठीक है, मेहनत के साथ हम जज्बे के साथ बढ़ते रहेंगे। सभी लोगों को इसी के साथ ये लाइन को हमेशा याद रखना, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। अब आज के बाद जैसे आप हमें सुन रहे हो, ठीक है, तो पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आज सुन लिए तो इसका ये जोश भर रही है जो लाइनें, ये आपको वृद्धावस्था में भी जमा रखेंगी। मेरी लाइनें आप जो सुना होगा वो जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब भी वो जवान रहेगा। ठीक है, हाँ, सच है विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं क्षण एक नहीं धीरज खोते, नहीं विचलित होते हैं क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में।
ठीक है, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के ने, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, शयन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, सच है विपत जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं क्षण एक नहीं धीरज कोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, ठीक है हाँ। अब ध्यान से देखो, हाँ हाँ देखो कितना अच्छा रामायण हमने पढ़ दिया ना, बहुत अच्छा रामायण, देखो ध्यान से, अब आपको पढ़ाई कंप्लीट हो गई, नेहा जी रामायण कह रही हैं, नेहा जी हमारी ये सारी बच्चे, हाँ हाँ अब देखो नेहा जी कितना अच्छी है, नेहा हम नेहा यादव जी हैं, बहुत अच्छी नेहा, हाँ चलो अच्छा, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग, नेहा जी पढ़ाई हो गई है तो हम उन बच्चों के साथ बस थोड़ा सा समय बिता रहे हैं नेहा जी, है ना नेहा, नेहा जी ये बात ये है कि स्नेहा जी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पढ़ाई हो चुकी है और ये बच्चे जुड़ते हैं हटते हैं उनको हम थोड़ा 10 मिनट से सुना रहे थे, अच्छा नेहा जी सॉरी आपसे, अब चलते हैं ठीक है, आप सभी लोग विदा लेते हैं हम सभी से, और अभी देखो नेहा जी 15-20 लोग यही छोड़ने के लिए जुड़ते हैं और जुड़ते हैं ठीक है, हाँ नेहा जी ने सही कहा, नेहा जी बहुत अच्छी हैं और नेहा जी को हम इसी से अलविदा करते हैं, नेहा जी आपको नया साल मुबारक हो, ठीक है नेहा जी आपको नया साल मुबारक हो, हाँ बिरादर वादर कुछ नहीं होते हैं, सब हमारे बिरादर सभी लोग हैं ठीक है, हाँ नेहा जी आपको रामायण कंप्लीट हो गई है ना, और हम आपको बहुत बहुत, आप कहाँ से हैं नेहा जी, पूरी रामायण आपने सुनी नहीं लेकिन नेहा जी आपने तब सुना है जब 1 घंटे 40 मिनट में पढ़ा दिया था, देखो नेहा जी एक 21 लोग जुड़ रहे हैं जो नेहा जी इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि ताकि जो है वो हमारी कविता को सुन सकें, समझ रहे हैं नेहा जी, हाँ लेकिन मैं अब नहीं, हाँ नेहा जी ध्यान दिया करिए, हम कभी भी ऐसी, ठीक है हमने कहा जो है कभी ऐसी चीज नहीं सुनाते हैं बच्चों को जो निगेटिव हो, पॉजिटिव चीजें हैं, नेहा जी आज नया साल था इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा इसको काम कर दिया, चलिए अच्छा आप लोग लीव करते हैं, बाय 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 एवरीवन, बाय एवरीवन।